आ जाओ, क्या दिक्कत होगी, बैठ जाओ सब। चलिए स्टार्ट करें फिर अपना क्लास। हाँ जी, करते हैं स्टार्ट। टॉपिक क्या चल रहा था हमारा? होम रूल लीग पे जा चुके थे ना। हाँ, होम रूल लीग आंदोलन जो कि हम लोग के भारत के अंदर उदारवादी और उग्रवादी आंदोलनों के पार्ट का अगला हिस्सा है ना, तो उसके बारे में हम लोग को आज चर्चा करनी। तो देखिए, बेसिकली अभी तक जो भी हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं उस इतिहास के अंदर, हाँ बोला था मैंने, 1905 के बाद के जो कांग्रेस के अधिवेशन है वो कांग्रेस के अधिवेशन अभी आप लोग को लिखवा देते हैं। 5 से लेकर 47 तक के बचे हुए, 5 तक के तो आप लोग ने लिख लिए। उग्रवादी चरण के आगे के जो भी हैं वो सम्मेलन हुए कांग्रेस के, वो सम्मेलन मेंशन कर लीजिए अपनी कॉपी में सब लोग। उससे पहले कुछ बता दें, आज की क्लास का थोड़ा सा सारांश ले लीजिए। ये जो आज का टॉपिक है आपका, उस टॉपिक के अंदर हम लोग जो शुरू करने वाले हैं वो बेसिकली भारत के अंदर जो क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू हो गई थी उन क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, भारत के अंदर दो फेज में क्रांतिकारी आंदोलन चले हैं। अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे वो आंदोलन थे कांग्रेस के आंदोलन। ठीक है, जो उदारवादी और उग्रवादी वर्ग जो हमने पढ़ा वो किसका था? कांग्रेस का विभाजन था, और कांग्रेस के विभाजन में जो भी गतिविधियां हुई वो हम लोग ने देखी। अब क्या है, कांग्रेस से रिलेटेड या कांग्रेस के बाहर के कुछ ऐसे नेता थे जो नेता लगातार कुछ ऐसी गतिविधियों में इन्वॉल्व पाए जा रहे हैं जो कैसी है, उग्र नीतियां या क्रांतिकारी गतिविधियां, मतलब हिंसात्मक कुछ ऐसी गतिविधियां जो भारत के अंदर उस समय काल में हुई। उस समय काल का कुछ रेफरेंस हम लोग को यहाँ पे लेना है, और वो क्वेश्चंस आपके ज्यादातर जो है पीसीएस के एग्जाम्स में आते हैं। मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं कि कौन से आंदोलन कब हुए और उन आंदोलन के बारे में आपने लीडर पूछ लेगा और उसकी डेट वगैरह पूछ लेता है या नाम पूछ लेगा आंदोलन का, है ना। तो ऐसे आंदोलन आपसे पूछ लिए जाते हैं, उन आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। वो आंदोलन बेसिकली 1907 से 17 तक के प्रारंभिक चरण के आंदोलन है, उनको देखते हैं। उसके बाद में फिर हम लोग होम रूल लीग का भी पढ़ लेंगे इसमें, है ना। लेकिन जो आप लोग बता रहे हैं वो कर लीजिए पहले। तो 5 के बाद के जो कांग्रेस के अधिवेशन है उसके बारे में यही तक तो लिखा था 1905 तक, है ना। 1905 गोपाल कृष्ण गोखले 6 वाला, अब यहाँ से हम लोग का जो कालक्षण हुआ था वो शुरू हुआ था आपका उग्रवादी दल का, है ना। और यहीं से डिफरेंसेस होना शुरू हो गए थे कांग्रेस के बीच में, तभी कांग्रेस दो पार्ट में डिवाइड हो गई थी। तो 5 के बाद के आंदोलन जो आप लोग को सम्मेलन जो लिखने हैं वो 1906 से शुरू होते हैं। ठीक, हर सम्मेलन में क्या क्या चीजें हो रही है वो यहाँ बताते चलेंगे, बाकी आगे चल के तो सारी की सारी गतिविधियां पढ़ेंगे हम लोग। देखिए 1906 का जो यहाँ पे सम्मेलन है उसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी, ये मैं बता चुका हूँ आपको। और इसमें 4 प्रस्तावों को भी अपनाया गया था। ये प्रस्ताव वही प्रस्ताव है जो बाल गंगाधर तिलक अपनी केसरी वाली बुक में या फिर मैगजीन में बार बार जिसका जिक्र किया करते थे। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? स्वराज हो गया, बहिष्कार हो गया, स्वदेशी हो गया और राष्ट्रीय शिक्षा हो गया। ये 1906 के जो रेफरेंस है उसके अंदर दिया गया था। 1907 में सूरत का अधिवेशन हुआ था, राजबिहारी घोष की बात की थी हम लोगों ने, ये उसके अध्यक्ष थे। और कांग्रेस का विभाजन इसी समय में हो गया था, जो हम लोग उदारवादी और उग्रवादी पढ़ रहे थे दोनों के बीच में विभाजन हुआ था, ये वही है। नरमपंथी मतलब उदारवादी और गरमपंथी मतलब उग्रवादी दल। ठीक है, कभी कभी गरमपंथी के नाम 3-4 पार्ट में डिवाइड होकर आ जाता है। गरमपंथी भी बोल लेगा, उग्रवादी भी बोल लेगा, क्रांतिकारी भी बोल लेगा, और ऐसे 2-3 नाम और भी यूज करता है। तो आप समझ जाओ हिंसात्मक नाम जो भी होगा
वो नाम यहाँ पे उग्रवादी या ग्रामपंथी दल के नेताओं का होगा, ठीक है। उसके बाद में सत्र स्थगित भी हुआ था, तभी यहाँ से कांग्रेस का विभाजन हो गया था। इसके बाद के 8-9 की कोई सेशन इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि उस समय कांग्रेस अपने आप में खुद उलझा हुआ था। यहाँ पे 1910 का है, अध्यक्ष यहाँ पे वेडरवर्थ को बनाया गया था। यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना ने 1909 का जो अधिनियम है वहां पे पृथक निर्वाचन की निंदा की है। इसकी निंदा की है, पृथक निर्वाचन की निंदा। अभी मैं आपको कल बात कर रहा था मुस्लिम लीग इसी की तो डिमांड कर रही थी बार बार। मुस्लिम लीग का हम लोग बात किए थे ना, 1906 का पूरा मुस्लिम लीग पढ़ा था, और मुस्लिम लीग बार बार डिमांड इस पृथक निर्वाचन की तो करती थी, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना यहाँ पे उस पृथक निर्वाचन का विरोध कर रहे हैं। ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि जिन्ना का रोल या फिर जिन्ना के बारे में जब भी हम लोग स्टार्टिंग फेज में पढ़ेंगे तो वो एक अलग मोहम्मद अली जिन्ना है ना, और एक राष्ट्रवादी नेता के तौर पे हम लोग उसको देखते हैं। लेकिन जैसे ही 1930 का समय आता है, मैं बताया हूँ, जिन्ना दौर आ जाते है ना, और उसके बाद में जिन्ना के सारे जो भी आंदोलन होंगे वो सब देश के विरोध में ही होते है ना। यहाँ पे देखिए पृथक निर्वाचन की निंदा कर रहा है व्यक्ति जो मुस्लिम लीग पृथक निर्वाचन मांग रही है, और ये एक तरफ निंदा कर रहा है। 1913 में ये इसी मुस्लिम लीग के आगे चल के सदस्य भी बन जाएंगे, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, 1910 का स्पेशल सेशन इसलिए माना जाता है। 11 का सेशन कलकत्ता, अध्यक्ष बीएन धर है इसके, और यहाँ पे पहली बार जनगणमन गाया गया था, ठीक है। पहली बार जनगणमन इस ही सेशन के अंदर गाया गया था, जो कलकत्ता का सेशन है। बीएन धर पूछ लिया जाता है कभी कभी आपसे, 1911 के सेशन में स्पेशल गया, ठीक है। 1915 का सेशन बॉम्बे में, अध्यक्ष हैं एसपी सिन्हा, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस संविधान में बदलाव की बात हो रही थी। 16 का इंपॉर्टेंट है, 16 में लखनऊ में ये सेशन हुआ है कांग्रेस का, और इसी को लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है, ठीक है, लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता के तौर पर जाना जाता है। अब आपको ये बात पता है कि कांग्रेस के अंदर कई सारे कॉन्फ्लिक्ट थे, और वो कॉन्फ्लिक्ट हमने देखे दो लोगों के बीच में बार बार हो रहे थे, है ना, गर्मपंथी और नरमपंथी दल के जो नेता थे उनके बीच में ये हो रहे थे। अब देखिए हुआ क्या, यहाँ पे कांग्रेस के दो गुट नरमपंथी और अतिवादी, देखो एक वर्ड और यहाँ पे आया है अतिवादी, है ना, मैं वही बोल रहा हूँ कि कई सारे शब्दों से संबोधित किया जाता है, फिर एक और उग्रवादियों के लिए वर्ड यूज हो रहा है अतिवादी, ठीक। तो ये जो इन दोनों के बीच में थे, यहाँ पे एक समझौता हुआ था, ठीक है, यहाँ पे एक समझौता हुआ था, इस पूरे के पूरे लखनऊ, इसको बोला जाता है लखनऊ पैक्ट, इसको बोला जाता है लखनऊ पैक्ट, और इस लखनऊ पैक्ट में दो समझौते हुए थे। पहला समझौता हुआ था कांग्रेस के दोनों पक्षों के बीच में, मतलब आप कह सकते हो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में क्या हुआ था, एका हो गया था, यूनिटी हो गई थी, मतलब जो दो दल 1907 में विभाजित हो गए थे, नरम दल और गरम दल, वो अब 1916 में आके वापस से एक हो गए, ठीक है। पहला समझौता ये हुआ था। दूसरा समझौता, भारत के अंदर एक और बड़ी पार्टी है मुस्लिम लीग, ठीक है, और मुस्लिम लीग का जो कार्य करने का तरीका था वो कांग्रेस से एकदम अलग था, कांग्रेस से एकदम विभाजन देखने को मिला ये शुरू से हमको। यहाँ पे क्या हुआ था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का भी एक समझौता हुआ था, ठीक है, मतलब भारत के अंदर सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन अब एक साथ आ गए, चाहे वो गरम दल और नरम दल के कांग्रेस के नेता हो, चाहे वो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के नेता हो, और इस सबको साथ में लाने का जो रोल था वो निभाने वाले मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट को एक साथ लाने में जो योगदान है वो है एनी बेसेंट का। किसका है, एनी बेसेंट ने ये प्रयास किए थे बाल गंगाधर तिलक के साथ में मिलके, जिसके थ्रू मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट एक साथ आ पाए, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए मॉडरेट या एक्सट्रीमिस्ट या नरमपंथी और गरमपंथी दल के दोनों नेता एक ही छज्जे के नीचे कैसे आ गए, तो उसके पीछे इन दो लीडर्स का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है, जिसमें एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक है, है ना। इसके बाद ही इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना करी थी, कल हमने बात की थी उसके बारे में, है और पढ़ेंगे उसके बारे में। फिर दूसरा आता है कांग्रेस और मुस्लिम लीग, इसमें समझौता कोई किसने कराया, तो इसमें समझौता कराने के लिए फिर एक नाम आता है एनी बेसेंट, और दूसरा नाम यहाँ पे आता है मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता कराने वाले कौन है, एनी बेसेंट और मोहम्मद अली जिन्ना, और मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में समझौता एनी बेसेंट कॉमन है, और दूसरे कौन है,
बालगंगाधर तिलक, ठीक है। तो ये चीजें याद रखनी है आपको, तीन महत्वपूर्ण लीडर एनी बेसेंट, बालगंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना। अब जितना भी भारत के अंदर फ्यूचर है वो इन्हीं लीडर्स का देखा गया अगले 10 सालों तक। और 10 सालों तक क्या, आगे चल के मोहम्मद अली जिन्ना तो 1947 तक राजनीति में पूर्ण रूप से एक्टिव दिखाई देते हैं, है ना। तो एक जीवन यहाँ से इनका राजनीतिक तौर पर पूरी तरीके से दिखाई देता है। मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट एक साथ इसलिए है, कांग्रेस या मुस्लिम लीग एक साथ इसलिए है, क्योंकि ये समय आप लोग मानिए कौन सा चल रहा है, 1914 से लेकर 1918, और ये समय क्या है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। वर्ल्ड वॉर प्रथम चल रहा है इस समय में, वर्ल्ड वॉर प्रथम जब चल रहा था तो उस समय भारत के अंदर बहुत सारे आर्मीज को गलत तरीके से भारत के बाहर भेजा जा रहा था। भारत की बहुत सारी रिसोर्सेस को, जो भारत की रिसोर्सेस थी, एक्चुअल रिसोर्सेस को किसमें खर्च किया जा रहा था, वर्ल्ड वॉर में खर्च किया जा रहा था। तो इससे भारतीयों का आर्थिक शोषण भी हो रहा था और भारत के मनुष्य भी जो थे, जो मानव थे यहाँ पे, उनका भी शोषण किया जा रहा था। तो ये शोषणकारी जो नीतियां थी इसको सप्रेस करने के लिए सारे दल एक साथ आ गए, सबने एक साथ में आकर गठबंधन कर लिया। इसी वजह से लखनऊ में समझौता हुआ था, ठीक है। तो लखनऊ का समझौता इसलिए इम्पोर्टेंट है, तो 1916 का सेशन इस समय का सबसे इम्पोर्टेंट सेशन माना जाता है, ठीक है। अब एनी बेसेंट क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण लीडर है दोनों सेशन के अंदर, तो 1917 के अंदर अगला लीडर कौन बनेगा कांग्रेस का, एनी बेसेंट, ठीक है। तो अध्यक्ष किसको बना दिया गया, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट भारत के अंदर पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी, ठीक है। पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष कांग्रेस की कौन है, एनी बेसेंट है। और पूछा जाए पहली भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन है, तो वो सरोजिनी नायडू है। अभी आगे चल के आप उनका भी नाम देखोगे, लेकिन पहली महिला अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो वो एनी बेसेंट है, लेकिन भारतीय नहीं, भारतीय तो सरोजिनी नायडू है। तो भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाएगा तो सरोजिनी नायडू नाम आ जाएगा, ठीक है। तो 17 में ये है, 18 में एक विशेष सत्र हुआ था, और इस सत्र के दौरान जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधार के लिए लगातार बातें चल रही थी, जो 1917 में बातें होना शुरू हो गई थी, कौन सा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, जिसकी बात कर हम लोग चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में कर रहे थे, और हमने बताया था कि 1909 के बाद अभी एक नया अधिनियम आने वाला है 1919 का, है ना। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1919 को ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड बोला जाता है। इस अधिनियम को लेकर भारत में कैसे सुधार होने चाहिए उसको लेकर एक विशेष सत्र बुलाया गया था, ठीक है। याद रख पाओ तो रख लेना, वरना इसकी कोई खास जरूरत नहीं, ठीक। 1919 का इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस समय में कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन को समर्थन दे दिया था। देखिए खिलाफत आंदोलन अभी आगे चल के आप लोग पढ़ोगे ही पढ़ोगे, लेकिन इसके बारे में एक बेसिक चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ कि खिलाफत आंदोलन भारतीय राष्ट्रवादी या फिर भारतीय राष्ट्र के हित का किसी भी तरीके का कोई आंदोलन नहीं है, एकदम नहीं। मतलब ऐसा आंदोलन नहीं है कि भारत की आजादी के लिए या किसी भी तरीके से राष्ट्रहित में इस आंदोलन को चलाया जा रहा हो। खिलाफत आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है जो भारत के अंदर मुस्लिम्स ने खड़ा किया था, ठीक है। मुस्लिम्स ने इसलिए खड़ा किया था क्योंकि इस समय में वर्ल्ड वॉर सेकंड का अंत हुआ था, वर्ल्ड वॉर सेकंड का अंत हुआ था। और वर्ल्ड वॉर सेकंड में एक पावर है जिसका नाम है ऑटोमन एम्पायर, ठीक है। ऑटोमन एम्पायर जिसके बारे में मैं पहले आपको बता चुका हूँ, क्या बताया था, इसने रोमन एम्पायर को हरा के सारे एम्पायर्स के ऊपर कब्जा कर लिया था। ये वही पावर है जो पुर्तगालियों को सी रूट यूज नहीं करने देती थी। ये वही पावर है जिसने पूरी यूरोप की टेरिटरी, अफ्रीका की टेरिटरी और अरब की टेरिटरीज पे रोल करके रखा था। इस समय में यूरोप की कुछ कंट्रीज ने मिलके ऑटोमन एम्पायर को हरा दिया, और ये लोग जैसे ही हारे तो यहाँ पे एक पद होता था जिसको बोला जाता था खलीफा। क्या बोला जाता था, खलीफा। और खलीफा का मतलब होता था लीडर ऑफ इस्लाम। क्या होता था, लीडर ऑफ इस्लाम, मतलब इस्लाम का प्रतिनिधि होता था जिसको खलीफा बोला जाता था। हर किसी धर्म में गुरु होता है, तो ये धार्मिक गुरु किसके थे, इस्लाम के धार्मिक गुरु थे। क्या करा, जैसे ही ऑटोमन एम्पायर वर्ल्ड वॉर सेकंड में हारा, इसके हारने के बाद खलीफा के पद को समाप्त कर दिया, ठीक है। खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया, और जैसे ही खलीफा के पद को समाप्त किया गया, क्योंकि ये विश्व युद्ध की बात या राजनीति की बात नहीं थी, ये लोगों के धर्म की बात थी, तो दुनिया के हर पूरे जितने भी दुनिया की कंट्रीज थी, उन कंट्रीज में एक आंदोलन होना शुरू हो गया कि खलीफा को ना हटाया जाए, भले से वर्ल्ड वॉर में कोई भी आ रहा हो, है ना। तो इसको लेकर विरोध शुरू हुआ। यही विरोध भारत में किस नाम से जाना जाता है, खिलाफत आंदोलन के तौर पर जाना जाता है। वहां पे खलीफा को हटाने को लेकर भारत में भारतीय मुस्लिम कुछ आंदोलन कर रहे थे जिसको खिलाफत आंदोलन बोला जाता है। इसका फायदा कांग्रेस ने उठा लिया। कैसे, कांग्रेस को देखा पूरा मुस्लिम जत्था एक जगह पे इकट्ठा है, और एक मुस्लिम पूरा का पूरा जत्था अगर हम अपने आंदोलन में मिला लें तो क्या होगा, इससे
ये आंदोलन हमारा बहुत बड़ा राष्ट्रवादी आंदोलन बन सकता है। तो यहाँ पे गांधी जी ने अपना दिमाग लगाया और गांधी जी को क्या चलाना था, असहयोग आंदोलन चलाना था। तो गांधी जी ने बोला असहयोग आंदोलन के साथ में खिलाफत आंदोलन को मर्ज कर दिया जाए, तो क्या होगा, सारी मुस्लिम जनसंख्या भी हमारी सब तरफ आके जुड़ जाएगी और असहयोग आंदोलन एक बहुत बड़ा आंदोलन बन जाएगा। वो ये बात बार बार समझा रहे थे। इसी के थ्रू क्या हुआ, 1919 में एक सेशन हुआ जहां पे कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन को समर्थन दे दिया। अब खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन दोनों भारत में मिलकर चलने लगे। ठीक है, बात करेंगे जब यह आंदोलन आएगा हमारा। यहाँ पे एक विशेष सत्र हुआ था, इस विशेष सत्र की अध्यक्षता देखो कौन कर रहा है, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय कहाँ चले गए थे, यूएसए चले गए थे ना, बताया था हमने। इन्होंने राजनीति की कहीं ना कहीं गतिविधियों में भारत को छोड़ के देश छोड़ दिया था। ठीक है, और देश छोड़ के चले गए थे। जब बाल गंगाधर तिलक वापस आए तो लाला लाजपत राय भी वापस आ गए, क्योंकि उग्रवादी नीतियां तो नहीं फॉलो हो सकती लेकिन आंदोलनों को तो चलाया जा सकता है। और लाला लाजपत राय देश के बाहर से भी आंदोलन चला रहे थे, ऐसा नहीं था, लेकिन देश के अंदर ये वापस चले आए और इन्होंने अब करी कांग्रेस की अध्यक्षता। कांग्रेस की अध्यक्षता इस समय एक उग्रवादी नेता कर रहा है जो पहले कभी रह चुका है उग्रवादी नेता। तो आपसे पूछा जाएगा पूरे इतिहास में कांग्रेस के कोई एक ऐसा नेता जो उग्रवादी दल का रहा हो जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता की हो, वो एकमात्र है लाला लाजपत राय। आगे चल के सुभाष चंद्र बोस ने भी अध्यक्षता किया लेकिन उनको उग्रवादी नेता नहीं माना जाता है। उग्रवादी क्योंकि जो जितना भी प्रोसेस था वो 1920 तक सब समाप्त हो गया था। ठीक है, उनको नेता माना जाता है, क्रांतिकारी सोच के थे लेकिन उग्रवादी नेता नहीं माना जाता। तो लाला लाजपत राय एकमात्र अध्यक्षता की है, वो भी स्पेशल सेशन में, एक विशेष सत्र है 1920 का जिसमें ये अध्यक्षता कर रहे हैं। और महात्मा गांधी ने यहाँ पे असहयोग संकल्प मतलब असहयोग आंदोलन को यहाँ से आगे बढ़ा दिया। यही से उन्होंने घोषित कर दिया था कि भारत में अब असहयोग आंदोलन चलेगा। ठीक है, यही पे उन्होंने इस चीज को घोषित कर दिया। ठीक, इसके बाद में 1920 का दूसरा वाला सेशन भी इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये तो विशेष सत्र मिड 1920 में बुलाया गया था, लेकिन जो दिसंबर वाली बातें हम लोग करते थे कांग्रेस के सारे सेशन दिसंबर में होते थे, वो सेशन कहाँ हुआ था, नागपुर में हुआ था। तो उसकी सी विजय राघवाचार्य ने अध्यक्षता की थी और इसी अध्यक्षता के दौरान कांग्रेस की कार्य समितियों का पुनर्गठन हुआ था। मतलब कांग्रेस अब हर राज्य में हर जिले में एक पार्टी बनके एक ऑर्गेनाइजेशन बनके अपने ऑफिसेस को खोलेगी जहां पे हर एक जगह पर उसके विभाग हुआ करेंगे। ठीक है, और लोगों को जोड़ने का काम किया करेंगे। तो एक कार्य समिति का पुनर्गठन यहाँ पे किया गया था। ठीक, 1922 का सेशन आता है इसके बाद जो गया का सेशन है, यहाँ अध्यक्ष बने थे सीआर दास। ठीक है, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ये दो व्यक्ति हैं जिन्होंने मिलकर कांग्रेस से अपने आप को अलग कर दिया था। ये कांग्रेस का दूसरा विभाजन है। अभी कांग्रेस का पहला विभाजन कहां पड़ा था, 1907 में सूरत स्प्लिट जिसको बोलते हैं हम लोग। अब दूसरा विभाजन कांग्रेस का हो गया 1922 में और इस समय में सीआर दास और मोतीलाल नेहरू इन दोनों ने मिलकर क्या करा, कांग्रेस को छोड़ के अपनी एक नई पार्टी बना ली। ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, स्वराज पार्टी। ठीक है, स्वराज पार्टी के नाम से कांग्रेस में अभी एक और बंटवारा हुआ, ये कांग्रेस का दूसरा बंटवारा है। ठीक है, तो सीआर दास और मोतीलाल नेहरू इसमें इंपॉर्टेंट थे, लेकिन 1922 की अध्यक्षता किसने की थी, सीआर दास ने। ठीक है, इसी समय में जेल भी हो गई थी, जेल जाने के बाद में जो है स्वराज पार्टी को धीरे धीरे कोलैप्स कर दिया गया, खत्म हो गई, इनकी मिट्टी भी हो गई उसके बाद में, तो स्वराज पार्टी खत्म हो गई। स्वराज पार्टी के बारे में बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल 1924 बेलगाम अधिवेशन, पहली बार अध्यक्षता किसने करी है, महात्मा गांधी ने। ठीक है, तो एम के गांधी यहाँ पे अध्यक्ष हैं, महात्मा गांधी अध्यक्ष हैं। एकमात्र ऐसा सेशन है 1947 तक जिसमें अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, महात्मा गांधी कर रहे हैं। ठीक है, तो यह अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की है पूरे के पूरे सेशन में। इसकी बात कर रहे थे हम लोग 1925 का सेशन कानपुर में, जिसकी अध्यक्ष कौन थी, सरोजनी नायडू, और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष है जिन्होंने इसकी अध्यक्षता की। ठीक है, 1927 मद्रास। ठीक, और मद्रास के अंदर अध्यक्ष मोहम्मद अली अंसारी है। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज इम्पोर्टेंट ये है कि साइमन कमीशन के बहिष्कार के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित हुआ था। इस समय साइमन कमीशन भारत के अंदर आ चुका है और इसको लेकर प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे, तो उसी को लेकर ये अध्यक्षता कर रहे हैं और इसके वापस जाने की डिमांड यहीं से शुरू हुई थी। और इसी की मांग को आप लोग आगे देखोगे, साइमन गो बैक का नारा लगाते लगाते लाला लाजपत राय की लाठी चार्ज में हत्या कर दी जाती है ना। तो ये वही वाला सेशन है, यहाँ पे इसके स्वीकार किया गया था। 1928 अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू, और यहीं पे ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस, मतलब एक तो कांग्रेस चल रही है, अब एक कांग्रेस का युवा संगठन बन गया है ना, जिसमें सारे के सारे युवा उसके पार्ट हुआ करते थे।
है ना। तो एक युवा का अलग से कांग्रेस का पूरा का पूरा वो बना दिया गया ऑर्गेनाइजेशन। इंपॉर्टेंट इसमें ये चीज है, इनको अध्यक्षता इसलिए दी गई थी क्योंकि इस समय अंग्रेजों ने भारतीयों को चैलेंज किया था और वो चैलेंज ये था कि तुम अपना संविधान बना के दिखाओ, है ना। तो भारतीयों को जब ये चैलेंज दिया गया कि तुम अपना संविधान बना के दिखाओ, चैलेंज इसलिए किया गया था क्योंकि भारतीय मुखालफत कर रहे थे साइमन कमीशन की, और साइमन कमीशन भारत में संवैधानिक सुधार लाने की बात कर रहा था। लेकिन भारतीयों ने उसे मना क्यों कर दिया, क्योंकि वो ऑल व्हाइट कमीशन था, सभी उसमें कैसे थे, गोरे थे, मतलब सभी अंग्रेज उसके अध्यक्ष हुआ सदस्य हुआ करते थे, उसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। तो इन्होंने भारतीयों को एक चैलेंज दिया कि अगर तो आप लोग इतने काबिल हो तो जाके अपना संविधान बना के हमें एक रिपोर्ट पेश करो। तो नेहरू ने यहाँ पे मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट बनाई जिसको नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। 1928 में उन्होंने इसीलिए अध्यक्षता की थी क्योंकि वो नेहरू रिपोर्ट को वहां रखना चाहते थे और उन्होंने यहाँ पे नेहरू रिपोर्ट को रखा। और जब नेहरू रिपोर्ट को रखा गया तो कांग्रेस ने ही खुद उस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया। अंग्रेज को बाद में करते पहले किसने कर दिया, कांग्रेस ने। और कांग्रेस के बाद में उनके खुद के सुपुत्र ने उसको रिजेक्ट कर दिया। कौन है अगले अध्यक्ष, जवाहरलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू के जो पुत्र हैं जवाहरलाल नेहरू, अगला सेशन उन्होंने ही लीड किया और उस सेशन में उन्होंने सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट को खारिज किया। और खारिज करने के पीछे का सबसे बड़ा कारण यह था कि नेहरू रिपोर्ट में एक बात की जा रही थी, वो बात थी डोमिनियन स्टेटस। और डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या होता है, उसका मतलब यह होता है कि भारत के अंदर अंग्रेजों के हुकूमत के साथ साथ भारत अपना संविधान बना लेगा, है ना। तो अंग्रेजों की हुकूमत तो हमें इस समय बिल्कुल स्वीकार नहीं है। तो इसको खिलाफ करते हुए या इसकी खिलाफत करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पे एक नारा दिया पूर्ण स्वराज का। तो यहीं से पूर्ण स्वराज का संकल्प शुरू हुआ और इसी के बाद में 26 जनवरी 1930 से भारत ने अपनी आजादी मनाना शुरू कर दी। तो 26 जनवरी 1930 में ही भारत ने क्या मनाई थी, अपनी आजादी मनाई थी। तभी 26 जनवरी को हम लोग अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्यों, क्योंकि हमने संविधान को फाइनली अडॉप्ट उस दिन करके उस एक यादगार तिथि को मान लिया कि इसको हमें भूलना नहीं है, है ना। तो ये यादगार तिथि रहेगी, 26 जनवरी में हम आजाद तो नहीं हुए, आजाद तो 15 अगस्त में हुए, तो 15 अगस्त को आजादी मनाई जाएगी। लेकिन 26 जनवरी को याद कैसे रखा जाए, उस दिन संविधान अपना लो। तो क्या करा गया, उसको गणतंत्र दिवस के तौर पर इसीलिए मनाया जाता है। तो 26 जनवरी से लगातार भारत स्वतंत्रता मनाता था इस समय, ठीक है। 31 का सेशन वल्लभ भाई पटेल है और वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ पर गांधी इरविन समझौते को लेकर बात की थी। गांधी इरविन समझौता इस समय में होगा, काफी डिटेल में डिस्कशन करना है इसके बारे में, इरविन की क्या सोच थी और गांधी को उन्होंने किस तरीके से बेवकूफ बनाया था, इस पूरे के पूरे समझौते में हम लोग उन सबकी चर्चा करेंगे क्योंकि इस समय में गोलमेज सम्मेलन भी चल रहा है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने शायद अभी मॉडर्न हिस्ट्री नहीं पढ़ा है जो यहाँ पे बैठे हुए, तो जो चीजें मैं बता रहा हूँ वो शायद चीजें आप लोग के दिमाग के ऊपर से भी जा रही होंगी शायद, अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री नहीं पढ़ा होगा। और जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है उनको ये सब समझ आ रहा होगा कि क्या क्रोनोलॉजी है, ठीक। ये सेशन सिर्फ इसलिए बताए जा रहे हैं, इसलिए आपको पढ़ाए जा रहे हैं जिससे आप कांग्रेस के सारे सेशंस को जान जाओ कि उदारवादी नेताओं के बाद में, उग्रवादी नेताओं के बाद कांग्रेस ने अपने सेशंस इंपॉर्टेंट कौन कौन से करे, जिससे हम कांग्रेस को एक बार में खत्म करके आगे अपने टॉपिक्स पे बढ़े, है ना। तो ये सेशन सिर्फ इसलिए बताया जा रहा है। इन सेशंस के बाद में जिनको यहाँ पे कोई भी चीज की कोई प्रॉब्लम है, जैसे साइमन कमीशन या फिर नेहरू रिपोर्ट, ये सब बातें अभी आगे चल के डिटेल में डिस्कस होने वाली है। सिर्फ इतना समझ लो कि आगे चल के मैं आपसे क्योंकि पूछूंगा कि नेहरू रिपोर्ट की बात बताओ, कौन अध्यक्ष था उस समय, किसकी बात हो रही थी, तो आपको ये पता होना चाहिए उस समय कि अध्यक्ष इस समय में ये थे और नेहरू रिपोर्ट प्रेजेंट करने वाले मोतीलाल नेहरू थे या साइमन कमीशन प्रेजेंट करने वाले, अपोज करने वाले कौन थे, बस ये सारी चीजें वहां पता होनी जरूरी है, ठीक है। तो वो बस जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ये सेशन अभी नोट करा दे रहे, क्योंकि ये सेशन एक जगह आपको नोट्स के फॉर्म में कहीं नहीं मिलते हैं। वहां क्या होता है, फिर अलग अलग तरीके से सारे सेशन लिखे हुए होते हैं जिनको फिर याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, 1947 तक के सारे सेशन एक ही बार में लिख ले रहे हैं जिससे आगे चल के आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कांग्रेस के सेशन, ठीक है। तो ये 1931 का सेशन है, इस सेशन में गांधी इरविन समझौते की बात की गई, ठीक। उसके बाद 1936 लखनऊ के अंदर जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, लखनऊ के अंदर जवाहरलाल नेहरू ने 1936 का सेशन किया और यहीं पे इनके समाजवादी विचारों के बारे में पता चला था। ये जो विचारधारा के व्यक्ति हैं, जिस विचारधारा को इन्होंने भारत में आगे बढ़ाया या भारत को एक समाजवादी देश बनाने में योगदान अगर रहा, तो उसकी शुरुआत यहाँ से हुई थी 1936 का सेशन, है ना। छोड़ दिया हमने जानबूझ के, इम्पोर्टेंट, ठीक है, 35 वाला इम्पोर्टेंट, 36 वाला लिख लो, 36 के बाद 37 वाला फैसला में,
ठीक है, किसी गांव में होने वाला पहला अधिवेशन था, अभी सारे अधिवेशन डिस्ट्रिक्ट्स में होते थे या जिलों में होते थे, ये सेशन कहाँ हो रहा है, गांव में हो रहा है पहली बार, इसलिए इसके बारे में कभी पूछ लिया जाता है। ठीक, 38 और 39 ये दो सेशन इंपॉर्टेंट है सुभाष चंद्र बोस की वजह से। ठीक है, 38 का सेशन सुभाष चंद्र बोस लीड कर ही रहे और इसी समय में यहाँ पे उन्होंने एक राष्ट्रीय योजना समिति बनाई थी, मतलब एक नेशन को लेकर प्लानिंग क्रिएट की गई थी ये आगे नेशन किस तरीके से वर्क करेगा। ठीक है, तो योजना आयोग को कहीं ना कहीं आगे चल के जो आप लोग देखते हो वो योजना आयोग का संकल्प इसी समय पारित हुआ था भारत के अंदर, उसी के आधार पर आगे योजना आयोग बना। ठीक, तो ये 38 के सेक्शन में हरिपुरा में तो अध्यक्षता कर ही रहे, 39 के सेक्शन में फिर से चुन लिया गया, किसको, सुभाष चंद्र बोस को, लेकिन 39 के सेक्शन में आपको अध्यक्ष कौन दिख रहा है, राजेंद्र प्रसाद दिख रहा है, क्योंकि विवाद हो गया था, यहाँ विवाद गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के मध्य हो गया था, गांधी जी चाहते थे कि कोई उनके पद का जो अहिंसा को सपोर्ट करने वाला व्यक्ति हो वो अध्यक्ष बने कांग्रेस का, और सुभाष चंद्र बोस की आइडियोलॉजी के वो हिंसात्मक आइडियोलॉजी के, हिंसात्मक आइडियोलॉजी मतलब वो हिंसा से भी परे नहीं है, मतलब हिंसा को भी अपना सकते हैं अगर आजादी की बात होगी। तो गांधी जी ने इस विचारधारा के थ्रू इनको मना किया कि आप अध्यक्ष ना बने, तो इन्होंने 39 में अपनी पोस्ट छोड़ के इसको अध्यक्ष बनने दिया राजेंद्र प्रसाद को, तो 39 में इन्होंने यहाँ पे छोड़ दिया और छोड़ के अपना अलग एक स्थापना कर ली, इसको फॉरवर्ड ब्लॉक बोलते हैं, आगे चल के सुभाष चंद्र बोस का फॉरवर्ड ब्लॉक भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, 40 में रामगढ़ अधिवेशन है, अध्यक्ष इसके हैं अबुल कलाम आजाद, और 40 में ये अध्यक्ष बने, ऐसे अध्यक्ष बने कि 45 तक अध्यक्ष ही रह गए कांग्रेस के। ठीक है, तो 40 से लेकर 45 तक यहाँ पर अगर कोई अध्यक्ष है कांग्रेस का वो है अबुल कलाम आजाद। क्यों अध्यक्ष है, क्योंकि 1940 के बाद से कांग्रेस के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया था, कांग्रेस को इलीगल पार्टी घोषित कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा, क्योंकि भारत में जितनी भी गतिविधियां होती थी उस समय नाम किसका आता था, कांग्रेस का आता था। तो 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन इतना राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन गया, इतना बड़ा आंदोलन बन गया, जिसकी वजह से भारत के अंदर कांग्रेस के ऊपर बैन लगाना पड़ा। तो कांग्रेस बैन है, राष्ट्रीय समिति के तौर पर कोई अध्यक्षता तो होगी नहीं उसकी, तो जब अध्यक्षता नहीं होगी तो एक ही अध्यक्ष बना रहा कब तक, 45 तक, जो है अबुल कलाम आजाद। तो पूछा भी जाता है सबसे लंबे समय तक कांग्रेस का अध्यक्ष कौन रहा था, तो वो अबुल कलाम आजाद 40 से 45 तक इसके अध्यक्ष बन के रहे लगभग 6 साल। ठीक है, उसके बाद में 46 का सेशन कांग्रेस का आजादी से पहले का अंतिम सेशन है, जिसमें जेबी कृपलानी अध्यक्ष बने थे। ठीक है, और जेबी कृपलानी स्वतंत्रता के समय भी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो आपसे पूछा जा सकता है कि स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो कौन थे, जेबी कृपलानी। ठीक, तो आपने 1885 से लेके 1905 तक के सारे कांग्रेस के सेशन पहले लिख लिए थे, और ये 5 से लेके 47 तक के कांग्रेस के द्वितीय चरण के सेशन है, जिसको आपको इंपॉर्टेंट सेशन के तौर पर याद रखना है। ठीक है, इन सबको याद रखिएगा, क्योंकि ये सेशंस इसलिए इंपॉर्टेंट भी माने जाते हैं क्योंकि 85 से लेके 47 तक का पूरा भारत की आजादी तक का एक आपको सारांश दे देते हैं, एक आपको पूरा का पूरा सिलेबस दिख जाएगा कि आपको सिलेबस में क्या क्या चीजें पढ़नी होती है ना, इसलिए 85 से 47 तक के सेशन इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, हो गया ये नोट जिसने करना था, ठीक है, जिन्होंने नहीं करा नोट्स मत मांगना मुझसे, बाद में आओ सर नोट्स दे दो, नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, इसीलिए पीडीएफ नहीं दी जा रही है, तुम लोग के निकम में कमी हो जाए। देखिए, भारत के अंदर प्रारंभिक राष्ट्रवादी आंदोलन या फिर क्रांतिकारी आंदोलन इसको बोले जी, ठीक है, भारत के अंदर जो क्रांतिकारी आंदोलन शुरू हुए थे उन आंदोलनों को हम लोग बेसिकली दो चरणों में पढ़ते हैं। ठीक, ये देखिए क्रांतिकारी आंदोलन इसको इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि अब ये वो आंदोलन है जिसके अंदर हिंसा का दौर दिखाई देता है, गांधी जी अभी भारत के अंदर नहीं है तो ये प्रथम चरण के आंदोलन के तौर पर हम लोग इनको पढ़ते हैं 1907 से लेकर 17 तक। 17 में गांधी जी आ गए, गांधी जी ने आके क्या कहा, ऐसे चरण के तमाम आंदोलनों के ऊपर रोक लगाई, एक तरीके से रोक लगाने का मतलब ये नहीं बोला कि ऐसे आंदोलन नहीं होने चाहिए, उन्होंने ये बोला कि अहिंसा का जब लोगों को मैसेज देना शुरू किया तो लोगों ने कुछ ऐसी गतिविधियां करना छोड़ दी, है ना, लेकिन ये गतिविधियां शुरू कब हुई, 1907 में शुरू हुई, और 1907 में शुरू होने के पीछे के कारण आप लोग सब जानते हो बहुत अच्छे से,
क्यों? क्योंकि उस समय लॉर्ड मिंटो के समय में क्या चल रहा था? स्वदेशी आंदोलन चल रहा था। स्वदेशी आंदोलन जो भारत के अंदर चल रहा था, उसी आंदोलन के साथ साथ में अंग्रेजों की कई सारी रिप्रेसिव पॉलिसी भी आप लोग निकल देगी, चाहे 7 हो चाहे 8 हो चाहे 9 हो चाहे 10 हो, कई सारे कानून उस समय पारित किए जा रहे थे जिससे भारतीयों पे कुछ ऐसे दो कह सकते हो आप राजद्रोह के कानून लगाए जा रहे थे जिससे उनको आजीवन कारावास जैसे भी सजाएं होती थी, है ना। तो इन सबके खिलाफ या इन सबके अगेंस्ट में भारत ने कुछ ऐसे क्रांतिकारी दलों को देखा जिन्होंने भारत के अंदर हिंसात्मक कार्यवाही करना शुरू कर दी। उन हिंसात्मक कार्यवाहियों के तौर पर इनको दो फेज में हमने डिवाइड किया है। एक 1907 से 17 का समय है जब 17 तक जितने भी आंदोलन होंगे यहाँ पे क्रांतिकारी जितनी भी गतिविधियां होंगी उसके अंदर आप प्योर रूप से हिंसा देखोगे। हिंसा का मतलब डायरेक्ट मर्डर देखोगे कि भारतीय क्या कर रहे हैं, अंग्रेजों को जान से मार देते थे, है ना। तो वो गतिविधियां इस समय में, और उस समय में कौन ऐसे लीडर्स हैं भारत के जो उन गतिविधियों में आगे आए, है ना। उन लीडर्स के नाम आपको जानने जरूरी है, उनके बारे में जानना जरूरी है। तो ये जो प्रथम चरण शुरू हुआ था कहीं ना कहीं इसके पीछे क्या चीजें जिम्मेदार थी, वो जिम्मेदार कारण कई सारे हैं इसके पीछे, जिसमें पहला कारण हम लोग जो मानते हैं वो कारण है ब्रिटिश दमन के विरुद्ध गुस्सा। ठीक है, ब्रिटिश दमन के विरुद्ध गुस्सा की बात की जाए तो जैसा कि मैंने बताया इस समय में भारत के अंदर ब्रिटिश नीतियां बहुत सारी दमनकारी थी जिसके अंदर मैंने कई सारे आपको एक्ट बताए थे, वो सारे एक्ट आपने नोट भी किए थे, आपको पता होंगे। उन एक्ट के अलावा भारत के स्वदेशी आंदोलन को दबाने का जो तरीका इनका था बहुत गलत तरीके से और गलत रवैये से दबा रहे थे। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें थी कि आर्थिक रूप से भी भारत की जो भी पॉलिसीज ये लोग इस समय बनाते थे उसमें भी कहीं ना कहीं भारतीयों का शोषण दिखाई देता। तो ये गुस्सा है लोगों के अंदर, और वो गुस्सा को एक तो वर्ग था जो उग्रवादी दल बन गया कांग्रेस का, उस तरीके से निपट रहा है अंग्रेजों से, लेकिन उनमें से एक वर्ग ऐसा है जो सीधा हत्या करने की सोच रहा है और सोच रहा है हत्या के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, जो अंग्रेजों को भारत से डरा के भगाया जाए, है ना। तो एक ही कारण इनको दिखाई देता था। दूसरा इसके अंदर एक पॉइंट था, वो ये है कि अंतरराष्ट्रीय प्रभाव, अंतरराष्ट्रीय प्रभाव भी पड़ा ऐसी उग्रवादी नीतियों को अपनाने के लिए, हिंसात्मक नीतियों को अपनाने के लिए। उग्रवादी नीतियां कहां से अपनाई? अंतरराष्ट्रीय प्रभाव से। अंतरराष्ट्रीय प्रभाव किसको बोलते हैं? जैसे हमने पीछे कुछ बातें की है, इटली का यूनिफिकेशन ऐसे नहीं हो गया, हिंसाएं हुई उसमें, कई लोग मारे गए उसके अंदर, है ना। इटली के अलावा हमने ये भी देखा कि जापान की भी विजय देखी थी हमने, जापान ने जो रशिया जैसे बड़े प्रांत पे विजय प्राप्त की थी वो भी एक वॉर, एक लड़ाई के माध्यम से ही प्राप्त की थी। और ऐसे उस समय दुनिया के भर के अंदर जो भी वॉर्स हो रहे थे, लड़ाइयां हो रही थी, सब में हिंसाएं, मर्डर्स, हत्याएं तो थी। तो उन हत्याओं को लोगों ने क्या समझ लिया? एक इंस्पिरेशन समझ लिया कि बिना हत्या के हम अपनी आजादी प्राप्त नहीं कर सकते। तो अंतरराष्ट्रीय प्रभाव था कुछ। और तीसरा पॉइंट इसमें देख सकते हो, उदारवादियों से असंतोष। भारतीय जो समुदाय था वो उदारवादी की सोच से कहीं ना कहीं अपने मन के अंदर एक असंतोष पैदा कर चुका था। उन्हें ये चीज दिखाई दे रही थी कि उदारवादी जिस चाल से चल रहे हैं वो चाल से भारत कभी आजाद नहीं हो पाएगा, तो इस गति को बदलना पड़ेगा। और उदारवादी जिस तरीके से रिक्वेस्ट कर करके आजादी मांग रहे हैं वो आजादी नहीं मिलने वाली। तो इन्होंने क्या करा? उस उग्रवादी नीतियों को अपनाया और उग्रवादियों से कहीं ना कहीं उनकी अधीनता को स्वीकारते हुए उसको एक्सेप्ट करके इन्होंने हिंसात्मक कार्यवाही करना शुरू कर दी। ठीक है, तो इसके बाद में इनके कई सारे उद्देश्य, ये करना क्या चाहते थे ऐसी गतिविधियां करके, ऐसी गतिविधियां करके भारत में किस चीज को ये दिखाना चाहते थे, तो उसके कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं कि पहली चीज तो ब्रिटिश अधिकारियों में भय पैदा कर दूं। जब ब्रिटिश अधिकारियों में भय पैदा होगा, हम हत्याएं कर रहे हैं लगातार, तो वो ब्रिटिश अधिकारी खुद भारत को छोड़कर चले जाएंगे, पहली चीज। ठीक है, दूसरा ये हो सकता है कि लोग जो भारत के थे, जो भारत की जनता थी, उनके मन से ब्रिटिश का डर निकालना, ये सब ब्रिटिश थोड़ी कर सकते हैं, हम भी तो कुछ कर सकते हैं। तो भारतीय जनता के अंदर एक कॉन्फिडेंस यहाँ से डेवलप होगा कि भारतीय हमारे फेवर में कुछ भी कर सकते हैं, तो एक डर निकालना था उनके अंदर। तीसरी चीज राष्ट्रवादी चेतना, जो भारत के अंदर जाग चुकी थी उस राष्ट्रवादी चेतना को और तेजी से मजबूत करना और लोगों के बीच में फैलाना था, है ना। तो ये तीन उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव थे, ये आपसे पूछे जाएंगे तो मेंस में लिखने को आएंगे, ये पॉइंट्स वहां पे लिखना। ठीक है, विधियां क्या है इनकी? विधियां बेसिकली इनकी सबसे पहली विधि तो यही है कि हत्या कर दो अगर कोई भी आपके खिलाफ खड़ा हुआ है, है ना। विधि का मतलब हिंसा है, विधि का मतलब क्या? हिंसा। इस हिंसात्मक कार्यवाही करते हुए सामने जो भी व्यक्ति हो उसको उसी की भाषा में जवाब देना, ये इनकी विधि या तरीका है कार्य करने का। ठीक है, कहीं बात लोग भारत में प्रारंभिक क्रांतिकारी आंदोलन,
भारत में प्रारंभिक क्रांतिकारी आंदोलन। भारत में प्रारंभिक क्रांतिकारी आंदोलन नीचे लिख लेना, इसके दो चरण है, ठीक है, नीचे लिख लेना इसके दो चरण है। पहला चरण लिखो 1907 से लेकर 1917 तक, इसके दो चरण है। पहला चरण 1907 से लेकर 1917 तक का, ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि प्रथम विश्व युद्ध से खत्म होने से पहले पहले का जो चरण है उसको हम लोग प्रथम चरण मानते हैं, ठीक है, या प्रथम विश्व युद्ध से पहले का जो चरण है वो ये वाला चरण है, और दूसरा जो क्रांतिकारी आंदोलन का चरण है वो प्रथम विश्व युद्ध के बाद का, मतलब 1918 के बाद जितने भी क्रांतिकारी आंदोलन हुए उनको एक श्रृंखला में रख दिया गया, ठीक है। उसको अगर डेट के फॉर्म में लिखना तो आप 1920 से लेकर 1947 तक लिख सकते हो, 1920 से लेकर 1947 तक लिख सकते हो, क्योंकि उसमें सब कुछ आ जाएगा और उसको भी कई पार्ट में डिवाइड किया जाता है, वो बात बाद में करेंगे, ठीक है। फिलहाल चरण के बाद में लिखिए कारण क्या जिम्मेदार है, कारण लिखिए इसके पीछे कि प्रारंभिक आंदोलन शुरू होने के पीछे कारण क्या है, ठीक है। पहला कारण ब्रिटिश दमन के विरुद्ध गुस्सा, ब्रिटिश दमन के विरुद्ध गुस्सा। कल जितने पॉइंट्स बताए थे वो सारे के सारे इसमें मेंशन कर देना, ठीक है, जो भी रिप्रेसिव पॉलिसी कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे उनकी, चाहे वो 1892 के एक्ट से लेकर 1907 तक के जो भी कानून अधिनियम पारित हुए 10 तक हुए, है ना, वो सब यहाँ पे लेते हैं, ठीक। उसके बाद सेकंड पॉइंट इसमें लिखो अंतरराष्ट्रीय प्रभाव। तीसरा उदारवादियों से असंतोष। और चौथा लिख लेना उग्रवादियों की अधीनता, मतलब उग्रवादियों के अंडर में इन्फ्लुएंस होकर इन्होंने ऐसे आंदोलन चलाने शुरू किए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स या एम लिख लीजिए अगला पॉइंट, जिसको उद्देश्य बोलते हैं, उद्देश्य एम या ऑब्जेक्टिव्स। उद्देश्य लिखो, उद्देश्य में ब्रिटिश अधिकारियों में भय पैदा करना, पहला पॉइंट ब्रिटिश अधिकारियों में भय पैदा करना। भारतीयों के मन से भय को दूर करना, दूसरा पॉइंट भारतीयों के मन से भय को दूर करना। और तीसरा भारतीयों में राष्ट्रवादी चेतना जागृत करना, तीसरा भारतीयों में राष्ट्रवादी चेतना जागृत करना। ठीक है, विधियां लिख लो अगला विधियां। इसमें पहला पॉइंट ये लिख लो कि हिंसात्मक रवैयों को अपनाते हुए हत्या का आयोजन करना, हिंसात्मक रवैयों को अपनाते हुए हत्या का आयोजन करना। ठीक है, दूसरा लिख लो लूटपाट व डकैती, दूसरा पॉइंट इसमें लिख लेना लूटपाट व डकैती। और तीसरा लिख लो क्रांतिकारी षड्यंत्र, क्रांतिकारी छाया नहीं अभी तीसरा लिख लो क्रांतिकारी षड्यंत्र, ठीक है। क्रांतिकारी षड्यंत्र का मतलब कई सारे ऐसे षड्यंत्र इस समय में किए गए जिसके थ्रू ये पता चलता है कि वो विश्व युद्ध के दौरान जो भी लोग थे उनकी सहायता लेके, जो ब्रिटेन के दुश्मन थे ऐसे लोगों की सहायता लेके भारतीयों की मदद करें, है ना। जैसे किसने किया था, आगे चल के आप लोग पढ़ोगे, सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष चंद्र बोस हिटलर के पास चले गए,
और हिटलर से सहायता मांगी थी और हिटलर ने सहायता करने के लिए आश्वासन भी दिया था। क्यों? क्योंकि हिटलर दुश्मन किसका था? जर्मनी किसका दुश्मन था? इंग्लैंड का। तो इस वजह से ऐसे भी कुछ तरीके अपनाने की इन्होंने कोशिश करी, तो क्रांतिकारी षड्यंत्र उसका पार्ट नहीं सकते। ठीक है, विधियों के बाद में देखिए ये आंदोलन शुरू हो जाते हैं यहाँ से, जिसमें पहला आंदोलन यहाँ पे है अनुशीलन समिति। अब कई सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बनेंगे जो ऑर्गेनाइजेशन भारत में हिंसात्मक तरीकों को अपनाने के लिए जाने जाते हैं, जिसमें एक नाम है अनुशीलन समिति का। इसका प्रारंभ तो लगभग 1902 में हो चुका था, लेकिन इसकी गतिविधियां कब देखने को मिलती है? इसकी गतिविधियां देखने को मिलती है 1908 से। ठीक है, तभी हम लोग 7 से 17 का आंदोलन पढ़ रहे। तो 1902 में अनुशीलन समिति जो भारत के अंदर बनी थी, इस समिति के प्रमुख जो लोगों में हैं, उनके नाम यहाँ पे सामने आपके लिखे हुए संस्थापकों में, लेकिन इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट एक नाम इसमें माना जाता है, जिनका नाम है सचिन सान्याल। ठीक है, सचिन सान्याल वो व्यक्ति थे कि ऑर्गेनाइजेशन तो बन गया, लेकिन सचिन सान्याल ने इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी गतिविधियां थी उनको चलाने के लिए जाने जाते थे। अनुशीलन समिति भारत की एक क्रांतिकारी समिति है, जिसका मतलब उद्देश्य क्या था? वही जो आपने पीछे लिखा, हिंसात्मक रवैये से भारत को आजादी दिलाना, डकैती, लूटपाट, मर्डर, हत्याएं, जो कर मिले उसके माध्यम से अंग्रेजों को नुकसान पहुंचाना। ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य था। ठीक है, तो इस चीज को यहाँ पे लिख लीजिए, और इनकी गतिविधियों के अंदर बेसिकली मेंशन यही कर लीजिएगा कि भारत में लूटपाट, डकैतियां और कई ब्रिटिश कर्मचारियों की हत्या। ये अनुशीलन समिति, और ये अनुशीलन समिति भी आगे भी आएगी, रेफरेंसेस के तौर पर ध्यान रखिएगा, इनके अध्यक्ष को ध्यान रखिएगा सतीश चंद्र बसु, ठीक है, और निवेदिता और स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद की आगे चल के हत्या हो जाएगी। ठीक है, ये भी पढ़ोगे अभी आप लोग आगे चल के, हत्या करने वालों में कौन लोग हैं, किस तरीके के लोग जिम्मेदार हैं, उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल इस समय में अनुशीलन समिति जैसी एक समिति ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कौन से क्षेत्र में हुई है? कोलकाता में। अगेन फिर देख लो, कोलकाता क्या है? एक इम्पोर्टेंट जोन है जहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होते हैं, जहाँ से ये क्रांतिकारी गतिविधियां चला करती है। ठीक है, इसके बाद में अनुशीलन समिति के बाद में इसकी गतिविधियां नोट करने के बाद में अगला बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन अभिनव भारत। ठीक है, अभिनव भारत, या इसको अभिनव भारत मंदिर के तौर पर भी जाना जाता है, या इसको यंग इंडिया सोसाइटी के तौर पर भी जाना जाता है। यंग इंडिया सोसाइटी इसको इसलिए नाम दिया गया था क्योंकि भारत के बाहर इटली एक देश है, जिस देश के अंदर मेज़िनी ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था यंग इटली, है ना, तो यंग इटली के ही फॉर्मेशन के तौर पर इन्होंने यहाँ पे भारत के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया था। ठीक है, जिसका नाम आप लोग देख रहे हो अभिनव भारत। ठीक, जिसको भारत में यंग इंडिया सोसाइटी के तौर पर भी जाना जाता है। मेज़िनी थे यंग इटली के अध्यक्ष, जिन्होंने यंग इटली फॉर्मेशन का इटली के अंदर शुरुआत की थी, उसी के बेसिस पे यहाँ भारत के अंदर इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, और इसकी शुरुआत करने वाले विनायक सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर हैं। ठीक है, मतलब वीडी सावरकर और जीडी सावरकर, ये दो लोग हैं जिन्होंने इसकी शुरुआत भारत के अंदर की थी। ठीक है,
एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है मित्र मेला क्या था, है ना। तो मित्र मेला भी इसी को नाम बोला जाता है कि मित्र मेला भी शुरुआत में इसका नाम जब फॉर्मेशन हुई थी तो मित्र मेला ही था, बाद में इसका नाम बदल के अभिनव भारत कर दिया गया था। तो कई ऑर्गेनाइजेशन कई डिफरेंट डिफरेंट नाम से भी जाने जाते हैं, तो उनके अलग अलग नाम भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, जिस नाम से ज़्यादा पॉपुलर नहीं है वो भी पूछ लिया जाता है। इसके बाद में अगला है युगांतर ग्रुप या युगांतर समूह जिसको बोला जाता है, युगांतर समूह 1906 में स्थापना, ठीक है। देखिए मैंने आपको लिखाया था 7 से लेकर 17 तक, है ना। तो आप लोग के मन में ये डाउट ना आए कि 6 की बातें क्यों कर रहे हैं, 5 की क्यों कर रहे हैं, 4 की क्यों कर रहे हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म जरूर हो गए थे लेकिन इनकी वर्किंग कब शुरू हुई है, 7 के बाद से ही शुरू हुई है। इन्होंने हिंसात्मक जो भी रवैये अपनाए वो 7 के बाद ही अपनाए थे, इस वजह से हम लोग इन सारे आंदोलन को वहां पढ़ते हैं, ठीक। युगांतर समूह, ठीक है, ये भी एक तरीके से ऐसा समूह है जो गुप्त रूप से चला करता था, मतलब हिडन फॉर्म में चलता था, अंग्रेज इसके बारे में नहीं जानते, है ना, कि ऐसा कोई समूह भारत में बना हुआ है। अगर उनको पता चलता तो इसके ऊपर बैन लगाते थे। और ये सारे के सारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, आप लोग खुद लॉजिक लगा लो कि अंग्रेजों को अगर इसके बारे में पता होगा तो वो ऑलरेडी बैन नहीं लगा देंगे क्या इसके ऊपर। तो सारी ही संस्थाएं गुप्त रूप से चलेंगी, है ना। तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन थे गुप्त रूप से ही चलते थे। संस्थापकों में नाम लिख लीजिए, अरविंदो घोष, बरिंद्र घोष, राजा सुबोध मलिक और भूपेंद्र नाथ दत्त, ठीक है। ये 1906 के अंदर युगांतर समूह को फॉर्म करते हैं, ये इम्पोर्टेंट इसके सदस्य है जिन्होंने इसकी फॉर्मेशन दी। के इसी दौरान एक युगांतर पत्रिका भी चलती थी युगांतर समूह के दौरान, जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इस युगांतर पत्रिका को साप्ताहिक के तौर पर जाना जाता था। और जैसे अभी आगे चल के आप देखोगे कुछ ऑर्गेनाइजेशन बने उसमें अलग अलग तरीके की मैगजीन्स पॉपुलर हो गई थी, वो ऑर्गेनाइजेशन इतने पॉपुलर नहीं हुए जितने पॉपुलर वहाँ की मैगजीन्स हो गई थी, ठीक है। तो ऐसे युगांतर मैगजीन भी बहुत पॉपुलर थी। और पूछा जाए अगर आपसे कि युगांतर मैगजीन को लिखने वाले लोगों में कौन है, तो ये दो नाम आपके साथ मिलेंगे, बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त, ठीक है। बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त, ये दो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस समय इस मैगजीन का संचालन किया था। और मैगजीन इतनी पॉपुलर हो गई थी इस समय कि अंग्रेजों को इसके बारे में पता नहीं था पहली बात तो, और जैसे ही ये रेफरेंस में पता चला इसके बाद तुरंत अंग्रेजों ने यहाँ पे वही इंडियन प्रेस एक्ट जो आपने पढ़ा था ना पीछे अभी, तो इंडियन प्रेस एक्ट को तुरंत इस समय में रेगुलेट करके ऐसी मैगजीनों पर रोक लगाने के लिए इसको लाया गया था, है ना। क्योंकि अंग्रेजों के कई सारे मुखबिर भारत के अंदर भी थे, बहुत सारे भारतीय ही थे जो अंग्रेजों से मुखबरी करा करते थे, है ना। वो पिक्चर देखिए तुम लोग ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, जी सुना तो होगा उसके बारे में, अगर देखी नहीं होगी, है ना। तो ट्रक्स ऑफ हिंदुस्तान के अंदर तुम लोग ने देखा होगा इस बात को कि उसके अंदर जितनी भी चीजें दिखाई गई हैं उसमें एक चीज कॉमन दिखाई गई है कि अंग्रेजों की मुखबरी भारतीय करते थे। जितने भी भारतीय उस समय में आंदोलन चलते थे उन सारे आंदोलनों के बारे में अंग्रेजों को पता कैसे चल जाता था, वैसे पता चल जाता था क्योंकि कुछ भारतीय ऐसे थे जो अंग्रेजों के पाले हुए थे और वो अंग्रेज क्या करते थे, उनको पैसा देते थे या जो भी देते थे, डराते धमकाते थे, उसके एवज में उनसे सारी इन्फॉर्मेशन ले लिया करते, है ना। इसलिए वो ऐसे गतिविधियों में भारत में रोक लगा पाते थे, ठीक। उसके बाद में मुजफ्फरपुर षड्यंत्र का मामला, इसके बारे में कल डिस्कस किया था, आज थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे इसके बारे में। लिख लो पहले मुजफ्फरपुर बम षड्यंत्र 1908। मुजफ्फरपुर बम षड्यंत्र केस 1908, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए क्योंकि कल इसके बारे में करके थोड़ा डिस्कस किया था हमने। और इससे पहले भारत के अंदर अभी एक हत्या हो चुकी थी जो रैंड की हत्या के बारे में पढ़ा था हमने 1897, है ना। अब ये वो मुजफ्फरपुर के मामले में दूसरी हत्या है जो बहुत पॉपुलर हो, वरना छोटी मोटी छिटपुट हत्याएं होती रहती थी लेकिन बड़े अधिकारियों की हत्याओं में ये हत्या सबसे पॉपुलर है। इस समय में किंग्स कोर्ट जो मजिस्ट्रेट थे कल जिसकी बात कर रहे थे हम लोग, उनकी हत्या का प्रयास किया गया था, है ना। तो किंग्स कोर्ट की हत्या का जब प्रयास किया गया था उनकी हत्या ना होकर उनके परिवार की दो महिलाओं की हत्या हो गई थी, है ना। तो उनकी गाड़ी के ऊपर बम फेंका गया था, बम फेंकने के बाद में इनकी हत्या ना होकर इनके
दौरान दो महिलाओं की हत्या हो गई थी जो इनके ही परिवार के थे। और इसके अंदर जो दो इम्पोर्टेंट लोग हैं जिनकी हम लोग बात करते थे, कौन कौन थे? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चांदी। खुदीराम बोस वो व्यक्ति हैं जिनको पकड़ के सजा दे दी गई फांसी की, और इनको फांसी पे चढ़ा दिया गया। 19 साल की उम्र में सबसे कम उम्र में फांसी पर लटकने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है। इतनी कम उम्र में फांसी पे अभी तक कोई नहीं लटका था भारत के अंदर, इनको फांसी की सजा दे दी गई। प्रफुल्ल चांदी जिनको पता था कि मुझे भी फांसी दे दी जाएगी और मुझे भी पकड़ के लटका दिया जाएगा, तो अंग्रेजों के हाथों मरने से अच्छा है कि खुद को मार दिया जाए, तो उन्होंने क्या कर लिया यहाँ पे, आत्महत्या कर ली। तो प्रफुल्ल चांदी ने आत्महत्या कर ली थी। खुदीराम बोस जिनको फांसी दे दी गई थी, मुजफ्फरपुर बम केस इसी को बोला जाता है, जहाँ पे किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था, लेकिन वहां पे दो महिलाएं उनके परिवार की मारी गई, ठीक है। जिसके बाद में यहाँ पर ये सारा का सारा आरोप किसके ऊपर गया था, ये सारा आरोप गया था इस समय में जो अभी पीछे आप लोग पढ़ के आए हो, अनुशीलन समिति। किसके ऊपर आरोप लगा? अनुशीलन समिति, मतलब अनुशीलन समिति के कुछ लोगों ने मिलकर इस पूरे के पूरे मसले को क्रिएट किया होगा, ऐसा मानना था उनका। तो अनुशीलन समिति के भी तमाम लोगों के ऊपर मुकदमा चला, और अनुशीलन समिति के बारे में अंग्रेजों को जैसे ही पता चला कि एक गुप्त समिति के तौर पर चलती है, उसके ऊपर तुरंत भारत के अंदर बैन लगा के उसको रोक दिया गया है ना। फिर बाद में अनुशीलन समिति दूसरी तरीके से आएगी, लेकिन फिलहाल मुजफ्फरपुर षड्यंत्र मामले के अंतर्गत ये ऐसा पहला बड़ा मामला है जिस बड़े मामले के अंदर अंग्रेजों के बड़े अधिकारियों की डायरेक्ट हत्या के प्रयास दिखाई देते हैं, ठीक है। अभी तो सिर्फ अधिकारियों की हत्या के दिखाई दे रहा है, अभी तो डायरेक्ट क्या करेंगे ये लोग, वाइस राय तक को नहीं छोड़ेंगे, उनके ऊपर भी हत्या का प्रयास करेंगे, उनको भी नहीं छोड़ेंगे, अभी देखोगे आप लोग। तो मुजफ्फरपुर षड्यंत्र मामला पॉपुलर है, और ऐसे षड्यंत्र मामले कई सारे अभी आप लोग देखोगे, जिसके अंदर दिल्ली षड्यंत्र मामला भी आता है, लाहौर षड्यंत्र मामला भी आता है, और साथ में काकोरी षड्यंत्र मामला भी आता है, और ऐसे कई सारे षड्यंत्र मामले टाइम टू टाइम हम लोग देखते चलेंगे, लेकिन अभी सबसे पॉपुलर मुजफ्फरपुर षड्यंत्र मामला जाना जाता है, ठीक। इसके बाद में लेफ्टिनेंट कर्नल है विलियम कर्जन वाइली, उनकी हत्या का प्रयास किया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल का मतलब समझ लो कि भारत के अंदर अगर कोई सर्वोच्च अधिकारी आर्मी का है तो उसकी हत्या का प्रयास समझ लो कितनी बड़ी बात होती है ना। तो आप ऐसे ही समझ लो कि कमांडर इन चीफ के, आर्मी के कमांडर इन चीफ की हत्या का प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है। तो लेफ्टिनेंट कर्नल वाइली जिनकी हत्या की प्रयास को छोड़ो, आगे चल के क्या देखने को मिला कि हत्या ही कर दी गई थी, ठीक है। तो लेफ्टिनेंट कर्नल वाइली की यहाँ पे हत्या कर दी गई, ये किसके द्वारा की गई? अगेन फिर हम लोग पीछे अभी पढ़ के आए, वीर सावरकर और जी डी सावरकर, इन दोनों ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, कौन सा? अभिनव भारत, ठीक है। और उसी अभिनव भारत का पूरा इसके अंदर योगदान माना जाता है कि उन्होंने मिलकर क्या करा, कर्जन वाइली की यहाँ पे हत्या कर दी, ठीक है। हत्या करने के लिए उसको रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। 1909 की ये घटना है, और 1909 की ये घटना के बाद में यहाँ पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था जिनका नाम था ढींगरा। ढींगरा को यहाँ पे गिरफ्तार करके उनके ऊपर ट्रायल केसेस चलाए गए थे, ठीक है। उनके ऊपर मुकदमा चला था, और मुकदमा चलने के बाद उनके ऊपर भी कैपिटल पनिशमेंट या फांसी की सजा उनको सुना दी गई, ठीक है। तो मदनलाल ढींगरा का यहाँ पे बात हो रही है जिनको फांसी की सजा यहाँ पे सुनाई गई, ठीक। तो यहाँ पे कर्जन वाइली की हत्या का आरोप नो डाउट वी डी सावरकर पे भी जाएगा और जी डी सावरकर पे भी जाएगा, क्योंकि उन्हीं की संस्था के थ्रू हत्या की गई है। तो वी डी सावरकर को इस समय अरेस्ट किया गया, और अरेस्ट करने के बाद में वी डी सावरकर के भी ऊपर कुछ चार्जेस लगे थे, जिन चार्जेस के बाद में हत्या के आरोप लगाते हुए उन्हें पूरी जीवन भर कारावास की सजा सुनाई गई, ठीक है। तो वी डी सावरकर एक बहुत बड़ा केस है, आपकी इतिहास के अंदर पढ़ना रहता है हमको, एक व्यक्ति के तौर पर इनके बारे में पढ़ना रहता है, क्योंकि बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सी भी इनके नाम से सुनाई देती है, तो वो इतिहास में कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है ना। तो इस वजह से वी डी सावरकर का नाम यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद में नासिक षड्यंत्र केस है 1909 का, ठीक है। नासिक षड्यंत्र केस, नासिक षड्यंत्र केस में एक व्यक्ति है जैक्सन, ठीक है। तो जैक्सन को इस समय नासिक का जो है मजिस्ट्रेट घोषित किया गया था, जिला मजिस्ट्रेट, ठीक है। जिला मजिस्ट्रेट या फिर जितने जजेस हैं इनके ऊपर ज्यादा इन लोगों ने हत्या के प्रयास किए, उसका कारण क्या था कि सजा भारतीयों को कौन सुनाते थे?
जज सुनाया करते थे, और जो सजा भारतीय को सुना देता था उसके ऊपर भारतीय क्या करते थे, अटैक करके या फिर उसको मारने का प्रयास करते थे, है ना। तो जो लोग भी इस समय में लिखते थे, तो यहाँ पे इनकी हत्या का प्रयास किया गया, इनकी हत्या के लिए कोशिश की गई, ठीक है। और इसमें बेसिकली जैक्सन की तो हत्या की गई थी, जैक्सन के साथ में एक भारतीय भी था जिसकी हत्या कर दी गई थी। वो भारतीय क्या कर रहे थे, जैक्सन को बचाने की कोशिश कर रहे थे, मतलब जैक्सन को गोली मारी गई, जैक्सन को जब गोली मारी गई तो जैक्सन को बचाने के लिए उनको एक डॉक्टर के पास लेके गए जो डॉक्टर भारतीय था। भारतीय वहां पे भी पहुंच गए पीछे पीछे पीछा करते हुए कि बच कैसे गया ये, और उस डॉक्टर के पास में जब पहुंचे जो डॉक्टर इनको बचाने का प्रयास कर रहा था, तो डॉक्टर जब बचाने का प्रयास कर रहा था भारतीयों ने धमकी दी कि इसको मत बचाओ, इसको मारने के लिए ही हमने से गोली मारी है। तो उसने क्या करा, अपोज करना शुरू कर दिया डॉक्टर ने, नहीं किसी की हत्या खराब है। तो इन्होंने क्या करा, उस भारतीय को भी डॉक्टर को भी गोली मार दी। तो उस भारतीय डॉक्टर को गोली मार देना और इसको गोली मार देना, जैक्सन को गोली मार देना, दो हत्याएं एक साथ इस समय में हुई थी, जिसको नासिक षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। अनंत लक्ष्मण कन्हरे यहाँ बेसिकली जो हैं यहाँ पर जाने जाते हैं जिन्होंने इनकी हत्या के लिए प्रयास किए थे, और उनकी हत्या इनके द्वारा की गई। इनके ऊपर ट्रायल केसेस चले, आगे चल के इनको भी फांसी की सजा सुनाई गई। कौन सा केस, नासिक षड्यंत्र केस। कहाँ है नासिक, महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है ना, महाराष्ट्र के अंदर हत्या हुई होगी। उसके बाद हावड़ा गैंग मामला, ठीक है, हावड़ा गैंग मामला, मतलब 1910 के अंदर इस पूरे के पूरे षड्यंत्र को रचा गया था। और इस समय में अनुशीलन समिति जो अभी पीछे पड़ के आए हम लोग, अनुशीलन समिति के टोटल लगभग 50 मेंबर्स थे, जिसमें एक संख्या बताई जाती 47, है ना, 47 लोगों के ग्रुप ने मिलके यहाँ पे एक ब्रिटिश अधिकारियों को फेवर्ड एक व्यक्ति था जिसका नाम था शमसुल आलम, वो इस समय इंस्पेक्टर था। तो उस शमसुल आलम ने क्या करा था, यहाँ पर इंस्पेक्टर के तौर पर भारतीयों के अपोज में कुछ गतिविधियां करना शुरू कर दी, भारतीयों को टॉर्चर करना शुरू कर दिया, या भारतीयों पे ट्रायल, अनुशीलन समिति के ऊपर जो ट्रायल चल रहा था इस समय उसमें अंग्रेजों की मदद कर रहे थे शमसुल, ठीक है। तो क्या करा इस समय में अनुशीलन समिति के कुछ लोगों ने मिलकर, मतलब पूरे गैंग ने ही मिलकर इनकी हत्या कर दी थी, और इस हत्या के प्रयास में टोटल 47 लोगों को अरेस्ट किया गया था और उनके ऊपर ट्रायल केसेस चल रहे थे, ठीक है। और बेसिकली यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट नाम है वो नाम भी आप यहाँ पे लिख लीजिए, जतेंद्रनाथ मुखर्जी और नरेंद्रनाथ भट्टाचार्य, इन दोनों के ऊपर बड़े ट्रायल केसेस चले थे कि ये हावड़ा गैंग मामला इन्हीं के द्वारा पूरा का पूरा किया गया, ठीक है। 47 लोग थे, और अंग्रेज क्या करते थे, 47 तो छोड़ो, 150-200 को फांसी देना नहीं सोचते थे, तो ये तो 47 ही लोग थे, है ना। तो 47 लोगों के ऊपर अगर गंभीर हत्या के आरोप है तो उन सबको फांसी की सजा सुनाई जाएगी। ठीक है, हावड़ा गैंग मामला। इसके बाद में अगला है दिल्ली लाहौर षड्यंत्र मामला 1912, ठीक है, 1912 में दिल्ली लाहौर षड्यंत्र मामला, ये वो मामला है जिसके अंदर डायरेक्टली वायसराय को टारगेट कर दिया गया था, ठीक है। वायसराय को टारगेट करने का मतलब ये उस मामला को बोला जा रहा है जिसके अंदर लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम फेंका गया था और लॉर्ड हार्डिंग की हत्या करने का प्रयास किया गया था। लॉर्ड हार्डिंग कौन है, इस समय भारतीय वायसराय है, और भारतीय वायसराय रहने के दौरान इनको भारतीय लोगों ने हत्या का प्रयास किया था। प्रयास करने का कारण बहुत सारे थे, एक कारण में तो यही आता था कि बंगाल के विभाजन को गलत तरीके से दिखाया गया, वो बंगाल के विभाजन का तरीका नहीं था। जो हमने पहले आपको बताया ना कि बंगाल का विभाजन दिखाया तो जा रहा है, रद्द कर दिया गया, लेकिन एक्चुअल में क्या है, उस विभाजन को और गहरा कर दिया गया। एक तो गुस्सा ये है लोगों के मन में, दूसरी गुस्सा ये कि दिल्ली की राजधानी को क्यों बनाया जा रहा है, राजधानी को तो बंगाल रहना चाहिए, बड़ा क्षेत्र है। इस हिसाब से भारतीय गुस्सा थे, नाराज थे, और हार्डिंग की कुछ गतिविधियां जो भारतीयों को प्रेशराइज करने के लिए जानी जाती हैं, उन सब के तहत यहाँ पे दिल्ली लाहौर षड्यंत्र केस को रचा गया था। दिल्ली लाहौर षड्यंत्र केस में एक बड़ा नाम आता है सचिन सान्याल का, ठीक है। सचिन सान्याल अभी पीछे पड़ा था, कौन सी समिति में थे, अनुशीलन समिति में, ठीक है। तो सचिन सान्याल अनुशीलन समिति में, ये जो नाम आपको दिख जाए और जिस समिति से रिलेटेड दिख जाए तो आप ये समझ जाओ कि वो समिति के ऊपर आरोप जाएगा ही जाएगा कि उस समिति ने इस केस को रचा होगा। तो दिल्ली लाहौर षड्यंत्र केस की नो डाउट पूरी की पूरी योजना जो बनाई गई इन लोगों के द्वारा, वो योजना के अंदर यही बोला गया कि अनुशीलन समिति की ये योजना थी जिसने ये हत्या करने का प्रयास किया। हुआ ये था कि ये हाथी पे सवार होके, उस समय हाथी वगैरह चला करते थे,
वायसराय या राजा रानी उस समय उसका सवार होकर चला करते थे। तो हाथी पर सवार होकर दिल्ली के चांदनी चौक से ट्रैवल कर रहे थे और वहाँ की राजव्यवस्था कैसी चल रही है, प्रशासन कैसा चल रहा है, वो सब की देखभाल के लिए निकले हुए थे। तो उसी दौरान क्या हुआ, कुछ भारतीयों ने इन्हें घेर के इनके ऊपर बम फेंकने की कोशिश करी और वो बम फेंकने की कोशिश में ये तो वहाँ से भाग निकले, लेकिन जो हाथी लेके जो व्यक्ति जा रहा था ठीक है, वो व्यक्ति की वहां पे हत्या हो गई। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, महावत बोलते हैं ना, इतने जो हाथी को चलाने वाला होता है, तो महावत की उस समय में हत्या हो गई थी इनके, जो इस समय में इनके हाथी को लेके जा रहा था। ये जैसे तैसे बच के वहां से भाग गए और बच के भाग के इन्होंने अपनी जान बचाई। उसके बाद में पूरा का पूरा ट्रायल केसेस जो चले है वो सचिन सान्याल और बोस के ऊपर चले। ये कौन से बोस है, रास बिहारी बोस है, सुभाष चंद्र बोस मत समझ लेना। ठीक है, कौन है, रास बिहारी बोस है, सुभाष चंद्र बोस तो अभी यहाँ एक्टिव भी नहीं हुए हैं। तो रास बिहारी बोस, उस दिन मैं आपको एक बात बता रहा था कि रास बिहारी घोष जी फॉर गुड समझ लो, कांग्रेस के अच्छे नेताओं में से काउंट होते हैं, और रास बिहारी बोस बी फॉर बैड समझ लो, हिंसात्मक कार्यवाही के लिए जाने जाते हैं। तो वो कौन सी कार्यवाही हिंसात्मक है, यही वाली तो लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का फिर। तो सचिन सान्याल और इनके ऊपर ट्रायल केसेस चले थे। ठीक है, अब इस समय में हुआ क्या कि राज बिहारी बोस तो चुपचाप निकल गए जैसे तैसे बच बचा के, मतलब उनको जेल तो हुई थी लेकिन उन्होंने सिद्ध कर दिया, दोष सिद्ध ही बोला जाता है कि आप देखोगे कि अदालत के अंदर कुछ लोग ऐसे होते जिन्होंने ये प्रूव कर लिया कि मैंने हत्या अगर की है तो उसके पीछे या हत्या का प्रयास करने के पीछे एक मकसद था या कुछ ऐसा करना चाहता था। इन्होंने दोष सिद्धि कहीं ना कहीं दिखा दी। दोष सिद्धि का मतलब कि अगर मैं वहां पे ना करता ये कार्य तो कोई और करता और मेरे ऊपर बंदूक लगा के मेरे को मारने का प्रयास करके ये कार्य करवाया गया है ना, और अगर ये कार्य मैं ना करता तो कोई डायरेक्ट जाके हार्डिंग को मार देता, मैंने जानबूझ के महावत को मारा वरना हार्डिंग को कोई मार देता। ये सब कह के निकल गए वहां से, दोष सिद्धि प्राप्त करते हुए निकल गए, क्योंकि इन्होंने क्या करा, अंग्रेज भारतीय को बेवकूफ बना रहे थे तो भारतीय कम थोड़ी है, छोड़ दिया और ये इसी के तहत यहाँ से निकल जाते हैं। फिर ये भारत में दिखाई नहीं दिए। सारी क्रांतिकारी गतिविधि राज बिहारी बोस ने भारत के बाहर किए और ये गतिविधियां 1945 तक चलती रही। 1945 तक लगातार वो गतिविधियां चलती गई। यही गतिविधि में आप आगे चल के देखोगे जो आजाद हिंद फौज बनी, आजाद हिंद फौज जो सुभाष चंद्र बोस ने जाके ज्वाइन की थी, उस फौज के सबसे बड़े नेता ये जाने जाते थे, कौन, ये बोस। अगर इस समय में सोचो इन्हें ट्रायल हो जाता, जेल हो जाती, तो ना सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज बन पाती और ना इतना बड़े तौर पर सुभाष चंद्र बोस को इतना पॉपुलराइज तौर पर हम जानते कि उन्होंने विदेश में रहकर इतने बड़े आंदोलन चलाए। तो उसके पीछे इन व्यक्ति का ही एक रोल है। तो यहाँ से चालाकी से निकले जरूर थे, झूठ बोल के निकले जरूर थे, लेकिन उसका सारा फायदा भारतीयों को ही आगे चल रहा है। ठीक है, और जो यहाँ पे और दूसरे लोग थे उन लोगों को यहाँ पे कारावास की सजा सुना दी गई, आजीवन कारावास मिला था। कुछ आजीवन कारावास में भारतीयों के द्वारा छुड़ा लिए जाते थे, वो भाग जाते थे वहां से, और कुछ लोग आजीवन उस कारावास में रह जाते थे। ठीक है, जिसमें एक नाम यहाँ पे लिखा हुआ है आपका चरणदास। ठीक है, चरणदास आजीवन जेल के अंदर ही रह गए और इनको निकालने वाला उस समय कोई नहीं था। ठीक, सही था। ठीक, ये तो देखिए देश के अंदर जो भी आंदोलन चल रहे थे सारे के सारे भारत के अंतर्गत भारतीय सीमाओं में, है ना, भारतीय सीमाओं के बाहर भी ऐसे बहुत सारे आंदोलन चल रहे थे। जैसे मैंने बताया ना आपको, लाला लाजपत राय देश से बाहर चले गए, बाहर जाके क्या कर रहे, बैठे थोड़ी, वो कुछ ना कुछ वहां पे आंदोलन चला रहे होंगे, किसी तरीके की कोई समिति बना रहे होंगे। ठीक है, इस तरीके से और भी कुछ क्रांतिकारी नेता है जो भारत के बाहर जाके अपने आंदोलन चलाया करते थे। वो भारत के बाहर जो आंदोलन चल रहे थे, इसके बाद वो आंदोलन के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जिसमें एक है भारतीय होम रूल सोसाइटी। ठीक है, भारतीय होम रूल सोसाइटी और होम रूल लीग दोनों अलग अलग हैं, दोनों को सेम मत समझ लेना। ये भारतीय होम रूल सोसाइटी जो बनी थी 1905 में इसकी फॉर्मेशन हुई है, और 1905 में इसकी फॉर्मेशन जो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की है वो कहाँ पे की है, लंदन के अंदर की है। कहाँ पे की है, लंदन के अंदर की। तो लंदन के अंदर इसकी फॉर्मेशन हुई है, भारत के अंदर नहीं। तो लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा इसकी फॉर्मेशन या फाउंडेशन करने वाले व्यक्ति हैं, जिन्होंने लंदन से सोसाइटी को चलाया था। ठीक है, और बाद में इस पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन को बीटी सावरकर ने संभाल लिया था श्यामजी कृष्ण वर्मा के बाद में। 1907 में ये ऑर्गेनाइजेशन किसके हाथों में आ गया, बीटी सावरकर के हाथों में आ गया। ठीक है, और इसी समय यहाँ पर एक पत्रिका बहुत पॉपुलर हुई थी जिसका नाम द इंडियन सोशलिस्ट था। ठीक है,
या इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के तौर पर भी जानी जाती है, सोशलिस्ट के तौर पर भी जानी जाती है, या समाजवादी पत्रिका के तौर पर भी उसको हम लोग जानते हैं। तो ये पत्रिका इस समय कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने चलाई थी? भारतीय होम रूल सोसाइटी के द्वारा चलाई गई थी, ठीक है। इंडियन होम रूल सोसाइटी ने इसको चलाया था, ठीक है। और इंडिया हाउस के अंदर बेसिकली इसके अंदर जो भी चीजें यहाँ पे की गई है उसके बहुत सारे प्रावधान यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, कुछ पुरानी घटनाएं यहाँ पे देखने को मिलेंगी। जैसे इंडिया हाउस, इसकी स्थापना बेसिकली इसलिए की गई थी क्योंकि यूरोप के अंदर कई सारे ऐसे केंद्र और भी बने हुए थे जो इंटरनेशनल कई सारी गतिविधियां हो रही थी उसमें पार्टिसिपेट करते थे। जैसे मैजिनी ने क्या करा था, यंग इटली का फॉर्मेशन किया था, ऐसे ही मैजिनी ने एक फॉर्मेशन और किया था यंग यूरोप का, है ना। यंग यूरोप भी एक ऑर्गेनाइजेशन था जो मैजिनी के द्वारा बनाया गया था। तो वो यूरोप के लोगों को भी आजादी दिलाने की बात करते हैं, उसी यूरोप की आजादी के अंतर्गत भारतीय भी अपनी आजादी को ढूंढते हैं। तो भारतीय भी क्या करते हैं, ऐसे संगठनों से जुड़ के वहां पे एक नए नए संगठन बना लेते हैं। तो उसी संगठन का एक पार्ट देखने को मिल रहा है जिसको हम लोग ये बोल रहे हैं। और 1909 में जो करजत वाले की हत्या के बाद क्या किया गया था, इस हाउस के ऊपर भी आरोप लगे थे कि विदेशों से क्या हो रहा है, फंडिंग हो रही है, और उस विदेशी फंडिंग से भारत के अंदर अंग्रेजों की हत्याओं का प्रयास किया जा रहा है। तब क्या हुआ था, इस सोसाइटी को भंग कर दिया गया था 1909 के अंदर, ठीक है। नोट कर लो इसको, भारतीय होम रूल सोसाइटी 1909 में इसको भंग कर दिया गया, ठीक। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट लिख लेना, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट या इंडियन सोशलिस्ट या भारतीय समाजवादी एक पत्रिका चला करती थी जिसके अंतर्गत ये सारी की सारी जो भी बुराइयां अंग्रेज भारतीयों के साथ कर रहे थे उन सबको इसमें दर्शाया जा रहा था या इसके अंदर वो सारी चीजों को दिखाया जा रहा था, ठीक है। भारतीय होम रूल सोसाइटी, इसी बात देखिए गदर पार्टी, ठीक है। गदर पार्टी, गदर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ष 1913 में गदर पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन या गदर पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। गदर पार्टी बेसिकली सैन फ्रांसिस्को के अंदर बनी थी। सैन फ्रांसिस्को की बात करें तो उत्तर अमेरिका के अंदर, ठीक है, उत्तर अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को एक जगह है जहां गदर पार्टी को बनाया गया था। गदर पार्टी को बनाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट नेताओं में सबसे इंपॉर्टेंट नेता लाला हरदयाल है, ठीक है। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी का फॉर्मेशन किया था। गदर पार्टी का फॉर्मेशन का मुख्य ऑब्जेक्टिव था भारत के अंदर क्रांतिकारी गतिविधियों को पहुंचाना, भारतीयों की फंडिंग करना, कुछ भारतीयों को अपने पास बुला के ट्रेनिंग देना। ट्रेनिंग में भी ये कराया जाता था कि अंग्रेजों को किस तरीके से हमें मारना है, कैसे उनकी हत्याएं करनी है, ठीक है, और कौन कौन सी चीजों को उस समय यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा रहा है, उन सारी चीजों की यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे गदर पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन को माना गया। गदर पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन में लाला हरदयाल का नाम तो एक ही है और एक नाम और नोट कर लीजिएगा, सोहन सिंह भाकना का, ठीक है। सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल ये दो व्यक्ति हैं जिन्होंने गदर पार्टी ऑर्गेनाइजेशन को बनाया, ठीक है। ठीक है, समय एक समाचार पत्र भी चलता था जिसका नाम था गदर, ठीक है। समाचार पत्र गदर पार्टी के द्वारा चलाया जाता था जिसका नाम था गदर, और गदर जो था वो उर्दू और गुरुमुखी मतलब पंजाबी भाषा या गुरुमुखी लिपि जो होती है जिसमें लिखा जाता है प्रॉपर, उसमें छपा करता था और ये भारत आया करता था जिसके अंदर भारत के जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं किस तरीके से चलेंगी उसके बारे में वर्णन किया जाता था, ठीक है। तो गदर नाम का एक हिंदुस्तानी न्यूज़पेपर भारत के अंदर गदर पार्टी के द्वारा चलाया जाता था, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट एक घटना है जो आपके सामने आ रही है, कामाघाटा मारू घटना, ठीक है। ये कामाघाटा मारू घटना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस कामाघाटा मारू घटना के अंतर्गत कुछ भारतीयों की हत्याएं भी दिखाई देती है और इसी घटना के बाद भारत के अंदर जितने भी क्रांतिकारी वर्ग का उदय हुआ या हिंसात्मक लोगों का उदय हुआ वो माना जाता है इसी के बाद में हुआ। कामाघाटा मारू घटना ने ही कुछ भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं को भारत के अंदर उत्पन्न किया था जिसमें एक नाम आप बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ते हो, भगत सिंह का, ठीक है। भगत सिंह कामाघाटा मारू से कैसे रिलेटेड है अभी जानेंगे उनके बारे में, ठीक है, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। या फिर आप नाम और भी पढ़ते हो, जो भी आपने HSRA के सदस्य देखे होंगे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो भी उस समय सदस्य होते थे, उन सदस्यों में से ज्यादातर सदस्य वो थे जो इस घटना से कहीं ना कहीं इम्पैक्टेड थे, है ना, इसका प्रभाव वहां पे देखने को मिलेगा। कामाघाटा मारू घटना के बारे में बता देते,
एक्चुअल में ये घटना है क्या कि एक जहाज की घटना है जिसका नाम है कामागाटा मारू। ठीक है, एक जहाज है जिसका नाम है कामागाटा मारू। कामागाटा मारू एक जापानीज जहाज है जिसको यहाँ पे चलाने का ऑर्डर मिला था गुरुदत्त सिंह को। गुरुदत्त सिंह शिप चलाने के लिए यहाँ पे अपॉइंट किए गए थे भारतीयों के द्वारा। तो हुआ क्या था कि पंजाब से कुछ भारतीयों को भेजा जाना था कनाडा। कहाँ? कनाडा। पंजाब से कुछ भारतीय कहाँ जाने वाले थे? कनाडा। और इनकी संख्या लगभग 376 थी। कितनी? 376 लोगों को पंजाब से कहाँ जाना था? कनाडा जाना था। और पंजाब से कनाडा जाने का जो रूट था वो ये था कि पंजाब से पहले ये लोग चाइना जाएंगे, चाइना से होते हुए जापान जाएंगे और जापान से होते हुए फिर कनाडा जाएंगे। ये रूट इन लोगों ने चूज किया था कि इस रूट से होते हुए जाएंगे। लेकिन कामागाटा मारू की समस्या ये थी कि भारतीय 376 इकट्ठे होकर कनाडा जा क्यों रहे? ठीक है, वो तो आज भी आप समझते होंगे सारे पंजाबी कनाडा क्यों जा रहे हैं, है ना? वो आज भी समझ रहे होंगे, उस समय भी बहुत सारे पंजाबी सब कनाडा जा रहे थे, है ना? वो कनाडा जाने के पीछे एक कारण हो रहा था। एक तो यही था कि लोग अपने रोजगार के प्रति कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ध्यान देने के लिए कामागाटा मारू से होते हुए जा रहे थे। अंग्रेजों की परमिशन नहीं थी 376 लोगों को एक साथ जहाज से कामागाटा मारू जहाज से कनाडा भेज देना। ठीक है, अब ये भारतीय जो 376 यहाँ से निकल के जा रहे थे इसमें कई सारे ऐसे लोग थे जो सैन फ्रांसिस्को में जाके वहाँ पे रुक के वहाँ के कुछ ऐसे गतिविधियों में पार्टिसिपेट भी करने वाले थे जो गतिविधि अंग्रेजों के खिलाफ चलाई जा रही थी, ऐसी गतिविधियों में पार्टिसिपेट करते, तो इस वजह से कनाडा जा रहे थे। कई सारे ऐसे लोग थे जो अपने परिवार से मिलने जा रहे थे और कई सारे ऐसे लोग थे जो भारत में जिनको नागरिकता ना मिलने की वजह से वो भारत को छोड़ के अंग्रेजों के मजबूर करने पे देश छोड़ के जा रहे थे। तो बहुत सारे रीजन है इन सबके इकट्ठे होने के, लेकिन जा रहे थे कहाँ पे? कनाडा। अब कनाडा जाने के रास्ते में जैसे ये लोग यहाँ से निकले, घटना है 1914 में ये जहाज जैसे ही गुरुदत्त सिंह ने लिया और सारे लोगों की जिम्मेदारी ली कि हम इनको पहुंचाएंगे सही सलामत कनाडा, तो चाइना से निकल गए। चाइना से निकलते हुए जब जापान पहुंचे, जापान से निकलते हुए जैसे ही आगे बढ़े वहां पे क्या हुआ? विश्व युद्ध शुरू हो गया। 1914 में तो शुरू हुआ था, रास्ते में क्या हुआ? विश्व युद्ध का अनाउंसमेंट हो गया। और विश्व युद्ध के अनाउंसमेंट ने इस बात को अनाउंस कर दिया कि कनाडा जो है वो अपने इमिग्रेशन लॉ को चेंज कर रहा है। इमिग्रेशन लॉ का मतलब क्या होता है? जो प्रवासी बाहर से आ रहे हैं उनके जो भी कानून जो भी अधिनियम है उनको चेंज कर देना। इमिग्रेशन लॉ कनाडा का चेंज हुआ। उस इमिग्रेशन लॉ में ये लिखा था एशिया से आने वाले किसी भी व्यक्ति को हम कनाडा के अंदर शरण नहीं देंगे। ठीक है, और कनाडा के अंदर शरण ना देने का मतलब एशिया के ही तो नहीं सारे भारतीय जो जा रहे हैं यहाँ पे। अब जब ये लोग यहाँ से निकल के जाना शुरू किए तो 376 लोग शिप में फंस गए क्योंकि कनाडा ने एक्सेप्ट नहीं करेगा, कनाडा के अंदर रोक लग गई है। वापस जब लौटे तो जापान भी वो है जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली विश्व युद्ध में कूदा हुआ है ना, जापान भी कूदने के लिए तैयार था विश्व युद्ध में, तो जापान ने वो मना कर दिया कि हम ये भारत के अंदर भारतीय लोगों को अपने यहाँ एंट्री नहीं करने देंगे। ठीक है, तो ये भी इनके ऊपर भी रोक लगी, जापान भी नहीं जा सकते थे। चाइना के ऊपर तो इंग्लैंड का कंट्रोल देखने को मिलता ही मिलता है, तो चाइना में एंट्रेंस लेने का मतलब ये था कि भारतीय लोग चाइना में फंस जाते और अंग्रेज उनके ऊपर कार्यवाही करके उनको किसी भी तरीके से निपटा सकते थे। तो भारतीयों के पास एक ही ऑप्शन बचा था, वो ऑप्शन क्या था? वापस भारत लौट जाना, है ना। तो ये शिप वापस से चली वहां से, और वापस से चलने के बाद में जब भारत में एंटर करना शुरू करी तो भारत में एंटर करने के दौरान अंग्रेजों को पता चल गया कि वहां से कामागाटा मारू की एक शिप आ रही है जिस शिप के अंदर वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड कुछ सैनिक भी बैठे हुए हैं जो सैनिक भारत के अंदर घुस के हमारे लोगों पे चोट पहुंचाना चाहते हैं या अंग्रेजी सत्ता को हिलाने की कोशिश करना चाहते हैं। मतलब उन्हें ये लगा कि भारतीय अंग्रेजों को यहाँ पर आज़ाद, मतलब अंग्रेजों को यहाँ देश से निकालने के लिए कुछ कनाडा के लोगों को अपने साथ लेके आता है, ऐसा उनको प्रतीत हुआ या ऐसा लगा। तो जब उन्होंने एंटर करना शुरू किया तो उनको वहीं पे पोर्ट पे रोक दिया गया, बंदरगाह पे रोक दिया गया और बंदरगाह से एंटर करने के लिए रोका गया। भारतीय चारों तरफ से फंस चुके, ना भारतीय भारत में आ सकते, ना भारतीय जापान में जा सकते, ना कनाडा में जा सकते, कहीं नहीं जा सकते। तो उन्होंने क्या करा, भारतीय के पास एक ही ऑप्शन था, अंग्रेजों से लड़ के भारतीय सीमाओं में घुसना, है ना, एक ही ऑप्शन बचा उनके पास में। और जब उन्होंने ये प्रयास किया तो प्रयास करते हुए अंग्रेजों ने अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू करी और इस फायरिंग में बहुत सारे भारतीयों की हत्या हो गई, कई सारे भारतीय मर गए। अंग्रेजों ने तो ये रिकॉर्ड 24 का दिखाया है, वैसे तो 24 ही लोगों की हत्या हुई थी, बाकी सब इधर उधर भाग गए, लेकिन एक्चुअल में ये डेटा गलत था। डेटा तो इतना है कि 200 से 250 लोगों की हत्या हुई थी और उन हत्याओं को अंग्रेजों ने लोगों के सामने ना रख के छुपा दिया था, है
है ना। तो ऐसी हत्या भारत के अंदर बहुत ही बड़ी हत्या के तौर पर देखी गई, जो कामाघाटा मार्गशीर्ष इंसिडेंट के तौर पर हम जिसको पढ़ते हैं। तो इसके बाद में क्या हुआ, भारत के अंदर जितने भी लोग इधर उधर तितर बितर होकर भागे थे, उनमें से एक व्यक्ति है जो भगत सिंह की हम लोग बात कर रहे हैं, उस भगत सिंह के परिवार के लोग उस शिप के अंदर थे, ठीक है, और उनके परिवार के कुछ लोगों की वहाँ हत्या हुई थी, जिसकी वजह से भगत सिंह के अंदर आप ये राष्ट्रवादी जितनी भी सारी की सारी क्रांतिकारी गतिविधियाँ देखते हो, वो सब वहीं से पैदा होना शुरू, ठीक है। तो कामाघाटा मारो शिप इंसिडेंट से जो लोग भी बच के निकल गए, वो भारत में आगे चल के सब क्रांतिकारी बन गए, और उन क्रांतिकारियों ने ही आगे चल के भारत में जितनी भी गतिविधियां चलाई, उस गतिविधियों के चलते ही अंग्रेजों को भारत को छोड़ के जाने पे मजबूर होना पड़ा। अभी आप आगे चल के लाहौर षड्यंत्र देखोगे, HSRA जिसके हम लोग हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की बात कर रहे हैं, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अशफाक उल्ला खान, ये सारे के सारे जो नाम आप लोग सुनते हो, ये कहीं ना कहीं इस शिप इंसिडेंट के बाद से ही उजागर हुए नाम थे, जिन नामों ने यहाँ पे क्या करा था, भारत के अंदर आके अपने पूरे के पूरे आंदोलनों को राष्ट्रवादी आंदोलन के या क्रांतिकारी आंदोलन के तौर पर चलाना शुरू किया था, ठीक है। तो कामाघाटा मारू शिप इंसिडेंट इसलिए इम्पोर्टेंट माना जाता है क्योंकि इसमें भारत के अंदर एक नई नींव रख दी थी क्रांतिकारी वर्ग की, कि जो वर्ग भी यहाँ से बचा वो सारा का सारा वर्ग क्या बन गया, हिंसात्मक कार्यवाही को आगे बढ़ाने वाला वर्ग बन गया, ठीक है। लिखो इसको कामाघाटा मारू, ये कोमा नहीं है, कामा है, ठीक है, कोमा मतलब कामा लिख, कामा का कामा। आप लोग का एक टेस्ट होने वाला है बहुत जल्दी, है ना, जिसमें इतिहास का जितना पोर्शन अभी तक पढ़ा दिया गया वो आएगा, है ना। तारीख अभी डिसाइड हो जाएगी, लेकिन अगस्त की ही मान लो विद इन 10 days जो चल रहे हैं इसी में टेस्ट हो सकता है। मैं बस आपको एक बार बता दे रहा हूँ, एक चीज़ जो आपको अचानक से पता चले उससे पहले कुछ आपको अनाउंस कर दे रहा हूँ कि वो चीज़ होने वाली है, उसके लिए अपनी तैयारी करके जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं, चाहे हिस्ट्री में पढ़ाई जा रही हो, पॉलिटी में पढ़ाई, पॉलिटी का नहीं पता मुझे, लेकिन हिस्ट्री का तो या ज्योग्राफी का नहीं पता, हिस्ट्री का होने वाला है। अब वो कैसे होगा, हो सकता है तीनों का मर्ज हो के भी हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, या हो सकता है तीनों का सब्जेक्टिव भी अलग अलग हो, है ना। तो जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े हैं कोशिश करेंगे कि सारे के सारे क्वेश्चन उसी में से रहेंगे, है ना। कुछ दो चार टॉपिक शायद आपको पीछे छूटे हुए, जैसे पलासी बक्सर वगैरह कुछ है, और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो मैं उसके अलग से नोट्स दे दूँगा, सिर्फ उसके, ठीक है, उसके नोट्स दे दूँगा आपको, ठीक है। जो भी पढ़ाया गया है तो उसका टेस्ट आपको नो डाउट पढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा तो उसका नोट्स दे दूँगा, ठीक है।
अभी तो बनवाते हैं क्लास में नोट्स, वरना तो लोग नोट्स पर डिपेंडेंट हो जाओगे, फिर नोट्स 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 और कुछ करोगे नहीं, है ना। क्लास में आना छोड़ देंगे आधे बच्चे, तो उन्हें लगेगा कि नोट्स तो मिल ही रहे हैं, घर बैठे पढ़ाई में रोज सीखे, है ना। तो वो वाली समस्या भी रहेगी, या फिर हाँ, या फिर बहुत सारे तरीके हैं तुम लोग अपना लोगे। तो इसलिए क्लास के अंदर बैठ के मजबूती से जब तक पढ़ाई नहीं करोगे, अपने नोट्स नहीं बनाओगे, तब तक किसी को नोट्स नहीं मिलेंगे। और ये है कि जितना भी सिलेबस कवर हो जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री का, हो सकता है पूरे के पूरे कंप्लीट नोट्स एक ही बार में आपको मिल जाए, ठीक है। तो नोट्स की चिंता मत करो। लास्ट टाइम में मैंने आप लोग को दिया था शेयर, जितने बच्चे यहाँ बैठे हुए सबको पता होगा, मैंने पूरी हिस्ट्री आपको दे दी थी, एक ही बार में दे दी थी, मॉडर्न हिस्ट्री के सारे नोट्स एक ही बार में दे दिए थे। तो जिनके पास में वो वहाँ से रिवाइज कर लो, जिनके पास में नहीं है तो पुराने नए बच्चे आपस में संपर्क करके एक दूसरे के साथ में शेयर कर लो, है ना। और उसके बाद में भी अगर कुछ लोगों को समस्या आती है तो मेरे को बोल देना, मैं उनको शेयर कर दूंगा, या उनके साथ में क्वेश्चंस जो भी आपके नोट्स हैं जो टॉपिक रिलेटेड हैं अभी आपके, वो दे दूंगा, ठीक है। लेकिन इस बात को ध्यान रखिए अच्छे से और कायदे से ध्यान रखिए कि टेस्ट बहुत जल्द होने वाला है, रैंक से भी यहाँ की नहीं बनेगी, रैंक बन रही है ऑल यूपी की। तो अपने आप को इस हिसाब से ध्यान रखना कि आप लोग का नाम पीढ़ी पर थोड़ा बहुत चमकाने की कोशिश अभी से करना शुरू कर दो, है ना। तो उसकी थोड़ी सी लाज रख लेना, है ना, थोड़ी हमारी भी लाज रख लेना, ठीक है। जो इतनी मेहनत से खड़े हो गए आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं हर एक चीज़ को, उसकी भी थोड़ी रख लेना। और टेस्ट में अच्छे नंबर ले आना, और उसके डेली की तरीका अच्छे नंबर लाने के लिए डेली का रिविज़न, है ना। डेली रिविज़न नहीं करोगे तो चीज़ें छूटेंगी, और डेली क्लास में आना शुरू कर दो सभी लोग। अभी डेली नहीं आओगे, बाद में नहीं पता कि आप लोग कैसे चीज़ों को कवर करोगे। जो लोग सोचते हैं वीडियो देख लेते हैं, वीडियो से पढ़ लेते हैं, वो पढ़ाई वहाँ नहीं हो पाती, है ना। अगर वीडियो से ही सब पढ़ के पास हो जाते तो इंटरनेट पे बहुत सोर्सेज हैं, है ना, और इतनी सोर्सेज हैं कि आप इंटरनेट पे पढ़ पढ़ा के अपने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं। यहाँ बैठने के बाद में एक माहौल में जब आप लोग 1.5 से 2 घंटे या फिर 3 घंटे एक क्लास के ऊपर जब फोकस करते हो, तो वो फोकस करने से पढ़ाई का एक मार्जिन अलग होता है, उसका आपको सच में रिजल्ट मिलेगा, वो क्वालिटी मिलती है वहाँ पर। तो इस बात को ध्यान रखिए अच्छे से, इन सारी चीज़ों को बहुत फोकस करके पढ़ा करिए। आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी है, फिर बता रहा हूँ और डेली बताता हूँ, आंसर राइटिंग को लेके कोई भी जो लोग लापरवाहियाँ कर रहे हैं मत करो, बाद में फिर अभी बार बार बोल रहा हूँ फिर पछताओ, फिर बाद में लगेगा कि हमने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी तो उससे नुकसान हो, है ना। कुछ लोग आंसर अच्छा लिख रहे हैं और कुछ लोगों को अभी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव की ज़रूरत है। अपनी अपनी सीटों पे बैठे रहना, कुछ मैं आपको चीज़ें बताऊंगा, बस वो चीज़ें सुन लो। क्लास को यहीं ख़त्म करेंगे हम लोग। और जो लोग नहीं लिख रहे हैं वो जिम्मेदार अपने लिए हैं, अपने भविष्य के लिए हैं, उनका कुछ नहीं किया जा सकता। देखो सब लोग तो ऑफिसर नहीं बनते ना, पता है बात की, कुछ ही लोग बनते। तुम तो एक क्वेश्चन नहीं लिख के दिए, तुम्हारा तो बहुत मुश्किल लग रहा है, बतवा नहीं दे, बता रहा हूँ। पूजा पासवान कहाँ थी तेरे से, आंसर अच्छे लिखे हैं, बस ये है कि कुछ चीज़ें इम्प्रूव कर लो उसमें। हिस्ट्री की नहीं, हिस्ट्री नहीं है, पूजा की है, मैम दे देंगी, लेकिन उसको मैम को दे देंगी। शेजल कुमारी कौन है, तुम हो? शेजल कुमारी सलोनी सिंह, प्रांजल कौन है, प्रांजल उमेश, उर्मिलेश, राजेश कुमार, राजेश कुमार, यही बताया था लास्ट टाइम में, मार्जिन करना सीखो, मार्जिन करो क्वेश्चन। सपना देवी,
सपना देवी क्या कह रहे फ्री वाली जो आदत डाल ली है ना तुमने माधुरी शर्मा ये पीसीओ वगैरह अभिषेक कुमार अभिषेक बहुत अच्छा आंसर लगा आपने और बढ़िया बस इसमें निष्कर्ष जो है ये सब मत लिखो ठीक है हेडिंग मत डालो निष्कर्ष आशा 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 का आंसर लिखने का तरीका इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि ये चार्ट या फ्लो चार्ट यूज कर लेते हैं आंसर तो आप लोग जितने भी लोग अगर आंसर्स में फ्लो चार्ट वगैरह यूज करोगे तो आपको फायदा मिलेगा ठीक है बस कुछ आंसर्स हैं उसके अंदर चार्ट फ्लो चार्ट यूज करो सभी आंसर्स में क्वेश्चन दिया तेज प्रकाश क्या आओ हमें पता तुम हो तेज प्रकाश कल वाला आंसर है फिलहाल ठीक है और इस आंसर के अंदर कमियां यही हैं कि एडिशन करना था वहाँ पे और जो मैंने कल आपको समझाया था उस चीज़ को वहाँ पे ऐड कर देना ठीक है कल जितना समझाया था वही चीज़ ठीक है देखिए बाकी परसों वाला क्वेश्चन जो दिया था उसमें डाउट था आप लोगों को कुछ लोगों ने लिखा है आपने भी लिखा था और भाई कई सारे लोगों ने लिखा है उसमें डाउट है मैंने आंसर सबके पढ़े हैं लेकिन एक्चुअल में आंसर वो है ही नहीं जो आप लोग लिख रहे हो है ना वही क्वेश्चन जो दिया गया था क्वेश्चन क्या था स्वदेशी आंदोलन भारत को स्वतंत्रता दिलाने में मील का पत्थर साबित हो सकता था तो सबसे पहले यहाँ पे पहला ही पॉइंट लिखा हुआ है स्वदेशी आंदोलन स्वतंत्रता दिलाने के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है मतलब क्या लिखना है स्वदेशी आंदोलन के बारे में लिखना है ना कि स्वदेशी आंदोलन था और स्वदेशी आंदोलन ने किस तरीके से भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में पार्टिसिपेट किया और उसके बारे में कुछ लिखना था पहले वो लिख देते उसके बाद परंतु इस स्वतंत्रता का प्रभाव आने वाले राष्ट्रवादी नेताओं पर अवश्य पड़ता इस स्वतंत्रता का प्रभाव आने वाले राष्ट्रवादी नेताओं पर अवश्य पड़ता इसका मतलब ये है आने वाले राष्ट्रवादी नेता ढूंढ लो पहले कौन है तो आने वाले राष्ट्रवादी नेता इसके बाद में कौन दिखाई देंगे महात्मा गांधी दिखाई देंगे भगत सिंह दिखाई देंगे सुभाष चंद्र बोस दिखाई देंगे जवाहरलाल नेहरू दिखाई देंगे B.R. अम्बेडकर दिखाई देंगे ये सब दिखाई देंगे अब इन नेताओं के ऊपर अगर ये आंदोलन में स्वतंत्रता मिल गई होती तो क्या प्रभाव पड़ा होता तो अब आप लिखोगे हेडिंग डालोगे महात्मा गांधी के बारे में ठीक है अब वहां हेडिंग डाल के लिखोगे महात्मा गांधी ने जिस तरीके से राष्ट्रवादी आंदोलन चलाया उस आधार पर भारत को एक अलग प्रारूप मिल गया स्वतंत्रता का है ना अगर महात्मा गांधी अपने आंदोलन से ये रवैया ही ना अपनाते कि भारत अहिंसा से भी आजादी ले सकता है या भारत इन सारी नीतियों से भी आजादी ले सकता है तो शायद वो तत्व हमारे समाज में ना आ पाते है ना तो वो तत्व मिसिंग हो जाते हैं B.R. अंबेडकर ने जिस तरीके से संवैधानिक सुधारों की मांग करी और लगातार उन तरीकों को अपना के रखा वो तरीके शायद भारत को ना मिल पाते शायद संविधान का विकास भारत में नहीं हो पाता और उस संविधान के विकास की एक कमी रह जाती जिससे भारत वैसा दिखाई नहीं देता जैसा आज दिखाई देता तो इन सब के बारे में कुछ कुछ लिख देते हैं आप लोग है ना ऐसे 5-6 पॉइंट आपको बनाने देते हर किसी के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख के और उसके बाद में क्या करना था सिर्फ कंक्लूड कर देना था अपनी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच देके और वो कंक्लूजन क्या था कि राष्ट्रवादी नेता जिन्होंने भी भारतीय आजादी में अपना सहयोग दिया उन सहयोग को ना तो भुलाया जा सकता और ना ही उनको किसी भी तरीके से इग्नोर किया जा सकता और अगर वो लोग राष्ट्रवादी नेताओं के तौर पर आने वाले आंदोलनों का समर्थन ना देते या आने वाले आंदोलन ना चलाते उसमें फिर एग्जाम्पल लिखोगे जैसे चंपारण खेड़ा सत्याग्रह या फिर ऐसे कई आंदोलन के नाम लिखोगे तो शायद भारत की आजादी एक अधूरी आजादी रह जाती और आज 1947 के बाद जो भारत आजाद है जिन तत्वों को लेके जैसे समाजवाद का एक तत्व हमारे समाज के अंदर है कल्याणकारी राज्य का एक तत्व हमारे समाज के अंदर है ये सब उन्हीं नेताओं के देन है अगर वो ना होते तो ये इम्पॉसिबल इसी बातों को बस इस आंसर में तो लिखना था इनको यहाँ पे लिख दे ठीक है तो कोशिश करो अपने आंसर्स को फ्रेम करो क्वेश्चंस को पढ़ के हमेशा क्वेश्चन को पढ़ लिया करो कि क्वेश्चन कितने पार्ट्स में डिवीजन दिया गया अब जैसे इसका पार्ट का डिवीजन दो ही पार्ट में है एक स्वदेशी आंदोलन के बारे में लिख देना और एक उन राष्ट्रवादी नेताओं के बारे में लिख देना
ठीक है। और ज्यादातर लोगों को दिक्कत इसमें इसलिए हुई क्योंकि ये क्वेश्चन इंटरनेट पे नहीं मिला होगा, है ना, इसलिए इंटरनेट पे मिलेगा भी नहीं। अब आने वाले कोई क्वेश्चन इंटरनेट पर नहीं मिलेंगे तो सारे क्वेश्चंस खुद लिखने पड़ेंगे सारे के सारे, है ना, और बहुत सारी कमियां। अब अपने आंसर्स को खुद लिखो, इंटरनेट के सहायता लेना छोड़ दो। कुछ फैक्ट्स लिखने हैं, कुछ अगर आपको डेटा लिखना है वो देख लिया करो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लैंग्वेज खराब मत करो, है ना, लैंग्वेज को खराब मत करो। लाइए सबमिट कर दीजिए कल का आंसर। आज का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, मैं इसमें मशीन पर बैठ जाऊंगा।